हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को देख रहे थे। अभी अपन को एक्सरसाइज 1.4 देखनी है। इससे पहले अपन संबंध के प्रकार फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत हम लोग द्विआधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ने वाले हैं। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं कि आप लोग शुरू से बाइनरी ऑपरेशन करते आ रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया करते आ रहे हैं। अब कहिए सर ऐसा कैसे? भाई आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग तो करते आ रहे हैं, तो यही चीज कहलाती है बाइनरी ऑपरेशन। मतलब दो संख्याओं के अंतर्गत अब दो चीजों में आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, संक्रिया लगा रहे हो, तो वही आपकी बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है। मेन मकसद इसका यही है। अब जैसे कि आप जोड़ घटाना गुणा भाग करते हो, तो दो संख्याओं के अंतर्गत करते हो, दो संख्याओं में आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो। अगर हम बात करें तीन संख्याओं की, जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 4 लिखा, तो 2 और 3 को जोड़िए और फिर 4 से जोड़ दीजिए, तो ये भी आपकी बाइनरी ऑपरेशन है। पहले आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हो, फिर तीसरी संख्या से जोड़ रहे हो, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि आप 2 3 5 4 9 आपके मन में एक जो प्रोसेस है वो ये लगती है कि आपने तीनों को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन वास्तव में मैथमेटिकल तौर पे कहें तो आप पहले दो संख्याओं में क्रिया कराते हो, संक्रिया कराते हो, उससे जो रिजल्ट मिलता है उसमें आप तीसरे के साथ क्रिया कराते हो, तो बस यही आपकी बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा आपको उसमें। अच्छा, द्विआधारी संक्रिया में होता क्या है कि मान लीजिए अगर हम कोई दो संख्याओं को जोड़ रहे हो तो आप करते हैं a प्लस बी। जैसे आपने कहा कि 2 और 3 को जोड़िए, तो आप ऐसे नहीं लिखते हैं कि 2 और 3 को जोड़ते हैं, इतना नहीं लिखते, सिंपली लिख देते हैं 2 और 1 सिंबल और 3, इसका ही चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पर द्विआधारी संक्रिया के लिए हम कोई चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है, जिसको डिनोट करती है कि वो द्विआधारी संक्रिया हो रही, वो संक्रिया कुछ भी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि चारों में से कोई भी संक्रिया हो उसके लिए हम एक चिन्ह डिनोट कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम बाइनरी ऑपरेशन के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, या इसके अलावा कुछ और सिंबल भी इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली द्विआधारी संक्रिया और कुछ नहीं है, दो अंकों के बीच में होने वाला जो ऑपरेशन होगा, जो क्रिया होगी, वही आपकी द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। अब चलिए देख लेते हैं कुछ। तो आपने अपने स्कूल के दिनों में ही आप चार मूल संक्रियाओं योग अंतर गुणा भाग से परिचित हो चुके हैं। इन संक्रियाओं की मुख्य विशेषता यह है कि दो दी हुई संख्याओं ए तथा बी से हम एक संख्या, अगर दो संख्याएं ए और बी दी हैं तो हम इनसे दो संख्याएं प्राप्त करते हैं। कौन सी? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी या ए अपॉन बी। और यहां आपको ध्यान रखना है कि जो बी का मान होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि बी का मान जीरो हो जाता है, यदि बी का मान जीरो हो जाता है तो ये अपरिभाषित होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ओके। को संबंध या एसोसिएट कर देते हैं। यह बात नोट कीजिए कि एक समय में केवल दो संख्याएं ही जोड़ी या गुणा की जा सकती है। जब हमें तीन संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता होती है तो हम पहले दो संख्याओं को जोड़ते हैं और प्राप्त योगफल को तीसरी संख्या में जोड़ देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अतः योग गुणा अंतर तथा भाग द्विआधारी संक्रिया के उदाहरण है, क्योंकि द्विआधारी का अर्थ है दो आधार वाली। यदि हम एक व्यापक परिभाषा चाहते हैं जिसमें यह चारों संक्रियाएं भी आ जाती हैं, तो हमें संख्याओं के समुच्चय के स्थान पर एक स्वेच्छ समुच्चय एक्स लेना चाहिए और तब व्यापक रूप से द्विआधारी संक्रिया कुछ अन्य नहीं अपितु एक्स के दो अवयवों ए और बी को एक्स के किसी अवयव से संबंध कराना है, ठीक है। तो अब चलिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा आपको कह रही है किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए है, हम स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। क्या मतलब है, चलिए समझ लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह परिभाषा आपको यह बता रही है कि कोई समुच्चय आपने ए लिया, अगर कोई समुच्चय ए है और हम ए के लिए अगर हम द्विआधारी ऑपरेशन करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी समुच्चय ए में ऑपरेशन कराते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो भी ए में ही होना चाहिए। बात समझना आप, अगर हम कोई दो संख्याओं को ऑपरेशन कराएं
किसी किसी के भी अंतर्गत ऑपरेशन कराते हैं, तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी समुच्चय में होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऑपरेशन कराते हैं कि हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का आपने ले लिया समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको पता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसमें मान लीजिए अगर हम ऑपरेशन कराएं कि 1 + 2 करें तो आपको 3 मिला जो कि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है ना। अगर यहीं पर हम ये कह दें कि हम 1 × 1 करते हैं तो 1 आता है, तो ये भी आपका n के अंदर का आता है। तो इस प्रकार से ये जो ऑपरेशन होगा, आपको परिभाषा ये कह रही है कि जो भी ऑपरेशन दो चीजों के बीच में होगा उससे जो रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, वो परिणाम भी उसी समुच्चय में होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है, दो संख्याओं के बीच में अगर आप ऑपरेशन करा रहे हैं उससे जो रिजल्ट मिलेगा, वो जो रिजल्ट होगा वो भी उसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बहुत ही आसान रहेगा, क्वेश्चन समझेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। उदाहरण नंबर 29 की बात करते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर, आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स सेट, आर में योग अंतर और गुणा, द्विआधारी संक्रिया है किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। तो चलिए पहला जो आपको कह रहा है इतना वो देख लेते हैं, कैसे करना है समझिए। अब कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती कौन है। वास्तविक संख्या में हर एक तरह की संख्या आपकी आती है, जितनी भी आप संख्या सोच सकते हो वो सारी संख्या वास्तविक संख्याएं आती हैं। किसको छोड़ के? अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़ के, ये संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ होंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत योग होगा, अंतर होगा और गुणा होगा। चलिए देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है। देखिए क्या होता था, परिभाषा के आधार पर क्या था, स्टार लगाना है, ए सच डेट लगाना है, दो बिंदु जिसे हम कॉलन बोलते हैं, मैंने शुरू में बता रखा आपको, फिर ए क्रॉस ए से आपको ए मिलता है। इसी परिभाषा के आधार पर जाएंगे तो क्या योग के लिए, योग में, ठीक है, योग में क्या होता है, योग में क्या है कि प्लस, फिर स्टार आर क्रॉस आर से, अब जो रिजल्ट मिलेगा वो आर में मिलेगा। आपको पता अगर दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको एक वास्तविक संख्या मिलेगी, दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर वास्तविक संख्या मिलती है, तो ये आपकी योग की जो क्रिया है वो परिभाषित है, ठीक है। a प्लस बी में परिभाषित परिभाषित है जहां ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसी, लिखना है थ्योरेटिकल है और कुछ नहीं, आपको समझना है सोचना है, भाई दो वास्तविक संख्याओं को जोड़िए तो आपको एक तीसरी वास्तविक संख्या मिलेगी जो कि आर के अंतर्गत होगी, बस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसी प्रकार अंतर में, ठीक है, तो अंतर में क्या, इसी प्रकार लिखना है माइनस, फिर सच दैट आर से आर में हम करा रहे हैं तो आपको एक आर मिलेगा, यानी ए माइनस बी में परिभाषित है, ए माइनस बी में परिभाषित है। इसी प्रकार गुणा में हम देख रहे हैं, गुणा में तो हम क्या कर रहे हैं कि गुणा आर क्रॉस आर से आर में, यानी ए बी में परिभाषित है, ए बी में परिभाषित, लेकिन ये कह रहा था कि किंतु भाग में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि अतः आर में योग अंतर गुणा द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, ये सिद्ध कर दिया। अब बात करते हैं भाग में, तो भाग में, ठीक है ना, तो भाग के लिए r क्रॉस r r a अपॉन b में परिभाषित परिभाषित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि b बराबर जीरो, भाई r में जीरो होता है कि नहीं, वास्तविक संख्याओं में जीरो होगा, तो अगर हम b का मान जीरो रख दें तो a अपॉन जीरो अपरिभाषित है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि इसलिए भाग में r परिभाषित नहीं है, r परिभाषित नहीं है, इस प्रकार से लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकली समझना है, एक सोच डेवलप करना है
कि सवाल क्या पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं। आगे अगर बात करें तो आगे कह रहा था कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया है। अब ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्या क्या है ये समझिए। ऋणोत्तर का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। बस यहां से आपकी बात क्लियर हो गई। नॉन जीरो कह रहा है यानी ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं है, ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो फिर भाग में भी काम कर जाएगा, क्योंकि यहां अगर b जीरो हो रहा था तभी तो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ऋण उत्तर आपको लिखना है, ऋण उत्तर वास्तविक संख्या में, ऋण उत्तर वास्तविक संख्या में आप ले लीजिए r डैश, ठीक है। तो जब आप इसमें भाग की संक्रिया कराओगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। मैं a अपॉन b परिभाषित है इस प्रकार से, ओके। तो अतः ऋण उत्तर वास्तविक संख्या में, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या में भाग की संक्रिया परिभाषित है। क्लियर है मेरी बात, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थ्योरेटिकली है, द्विआधारी संक्रिया आपको इसी प्रकार चलनी है, परिभाषा के आधार पर चलनी है, एक समझ डेवलप करके हुए आपको इन सवालों को लगाना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंतर या व्यवकलन, ठीक है, डिफरेंस तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब ये n कह रहा है, n क्या है, नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो प्राकृतिक संख्याओं में अंतर और भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये आपको बताना। तो कैसे बताएंगे कि चूंकि अब आपने कोई संख्या ले ली, मान लो आपने 6 और 2 ले लो या 4 और 2 ले लो, कुछ भी ले लो, हमने 6 और 2 ले लिया, ठीक है, 6 और 2 बिलोंग्स टू n में, ठीक है। अब 6 2 बिलोंग्स टू n में आप ये देखिए कि अगर आप 2 - 6 करते हैं तो क्या आता है, -4, जो कि भाई n में नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई भी दो संक्रिया हो, किसी भी दो संख्याओं में अगर आप द्विआधारी संक्रिया कर रहे हो, कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग कोई भी, तो जो समुच्चय से आपको रिजल्ट मिलेगा उसी समुच्चय में होना चाहिए। लेकिन -4 तो n में नहीं है ना, -4 n में नहीं है। और अगर हम बात करें कि 2/6 तो हमें क्या मिल रहा, 1/3 is not belongs to n। इसका मतलब ना तो माइनस की और ना ही भाग की द्विआधारी संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं यानी कैपिटल n में होती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माना ए बी बिलोंग्स टू n है, ठीक है, माना ए बी बिलोंग्स टू n है। तो अंतर में क्या कि माइनस सच दैट n क्रॉस n से n में a माइनस बी परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 2 - 6 करते भाई, किसी भी प्रकार से होना चाहिए और कुछ भी करोगे तो वो प्राकृतिक संख्याओं में मिलना चाहिए, लेकिन आप देख रहे थे -4 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, ठीक है। तो परिभाषित नहीं है। और भाग में इस प्रकार से कि n क्रॉस n, n में a अपॉन b परिभाषित नहीं है। बस इतना करना था, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा थ्योरी चलना है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं रहेगा, एक सोच समझ डेवलप करते हुए यहाँ पर चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 31 की बात करें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर, ए बी आपको टेंस टू कह रहा है, a+4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो सिस्टम बन रहा है ये एक द्विआधारी संक्रिया होगी, किसके लिए होगी, वास्तविक संख्याओं के लिए होगी। तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब आप यहां सोचिए, जरा सोचो कि a और b का आप क्या मान रखो जो वास्तविक संख्या ना आए, क्या आप कुछ सोच सकते हैं। भाई वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ भी बटे में नहीं है ताकि नीचे जीरो हो सके, वहां से आप अपरिभाषित भी नहीं बना सकते हो। इसका मतलब क्या
कि आप अगर ए और बी का कुछ भी मान रखोगे, यदि ए और बी का कोई भी वैल्यू रखते हो तो वो आपको एक वास्तविक संख्या लाके देगा। तो जब ऐसा होगा तो एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। यहां आप इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो कि माना ए बराबर 2 बी बराबर 3 है, तो ए प्लस 4 बी स्क्वायर बराबर 2 प्लस 4 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 चौको 36, तो ये 38, तो ये बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, इसीलिए दिए हुए संबंध में आर में एक द्विआधारी संक्रिया है। और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, बस इतना करना तो हो गया। उदाहरण नंबर 32 की बात करते हैं। कह रहा कि मान लीजिए पी, अब मान लिया हमने कि पी जो है किसी प्रदत्त समुच्चय एक्स के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। मतलब x कोई आपका एक समुच्चय था, उसके जितने भी उप समुच्चय थे उनका जो समुच्चय बना यानी पावर सेट बना वो p है। बात समझ में आई। मान लीजिए कि जैसे लिखा है कि 1 और 2, एक कोई समुच्चय होता x, ठीक है, तो इससे आपके क्या क्या उप समुच्चय निकलते, एक 5 निकलता, एक आपको 1 निकलता, एक 2 निकलता और एक 1 2 निकलता। बात समझे, और इसका आपने एक उप इसका एक समुच्चय बना दो यानी पावर सेट बना दो तो वो पी है। क्लियर हो गई बात। आपको एक समुच्चय दिया एक्स, उसके उप समुच्चयों का समुच्चय यानी घात समुच्चय, ये कक्षा 11 की बात है, घात समुच्चय आपको इस प्रकार से दे दिया मान लो। ठीक है, फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो यूनियन होगा वो पी से पी में होगा और आपको एक पी मिलेगा। ठीक है, और ए बी ए यूनियन बी द्वारा प्रदत्त है, और इंटरसेक्शन अगर हम कराएं पी में तो जो आपको ए बी होगा मतलब ए और बी द्वारा परिभाषित फलन पी में द्विआधारी संक्रिया है। क्या हो रहा है इसका मतलब जरा समझ लीजिए कैसे करना है इसको आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि आपने एक्स मान लिया, उसके आपने पी मान लिए, तो यहां से पी से आपने कुछ ए ले लिया, ए के अंतर्गत हमने मान लिया कि एक ए में आपका 1 है, ठीक है, और जो बी है उस वो आपका 1 2 है। ठीक है, अब अगर आप इसमें ए यूनियन बी कराएं, ए यूनियन बी कराएं तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 मिलेगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कराएं तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ए यूनियन बी भी पी में है कि नहीं है देखिए, और ए इंटरसेक्शन बी भी पी में है कि नहीं है, तो बस यही बात कर रहा था वो। ठीक है, यही कह रहा है, तो हम यहां से ये कह देंगे कि चाहे आप ये पूरा एग्जाम्पल दे भी सकते हैं, ये पूरा एग्जाम्पल दे दीजिए, फिर इतना लिखना है आपको किस प्रकार से कि यूनियन सच दैट पी क्रॉस पी टेंस टू पी में ए यूनियन बी द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, और इंटरसेक्शन पी क्रॉस पी से पी में ए इंटरसेक्शन बी द्वारा परिभाषित है। बस और कुछ नहीं है, इतना करना है। आप ये पूरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ये पूरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो और इसको बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपको सिद्ध कीजिए कि ए बी टेंस टू अधिकतम ए बी द्वारा परिभाषित, इस प्रकार एक सिंबल दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से तथा ए बी निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया। अब जरा समझिए क्वेश्चन, मतलब आपको अगर एक सोच आप रखते हो, एक डेवलप करते हो कि भाई क्वेश्चन क्या है क्या रहा, तो इन सवालों में है कुछ नहीं, नाम मात्र के रद्दी सवाल हैं। आप ये समझिए, ये जो चिन्ह दिया है, इस प्रकार का चिन्ह जो दिया है उल्टे वी की तरह, अगर हम देखें उल्टा वी बनाए, तो ये जो चिन्ह कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी में अधिकतम बताना है, और ये वी जो जैसे चिन्ह बताना है वो कह रहा है कि ए बी में निम्नतम है। बस इतनी सी बात है। तो भाई दो संख्याएं अगर लेते हैं, कोई भी दो संख्याएं आपने ली जो ए बी हो, मतलब अलग अलग हो, ठीक है ना, अगर आपने कोई भी दो संख्या ली तो उनमें कोई ना कोई एक बड़ी होगी और कोई ना कोई एक छोटी होगी। बात क्लियर है। और जब हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही ले रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई दो में से एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ये बात कह रहे। तो कुछ सवाल में कुछ सेंस ऐसा है नहीं है, बस आपको थ्योरी थ्योरी लिखनी है बस। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह रहे हैं कि माना ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है, हमने ये मान लिया। ठीक है,
तो अगर आप ये चिन्ह का इस्तेमाल करते, इस चिन्ह का आप इस्तेमाल कर रहे हो इस प्रकार से तो आएगा क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा अधिकतम को। और अगर आप इस चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हो तो बी आएगा, क्योंकि ये बता रहा है आपको निम्नतम को, ठीक है। यही चीज लिखी है, तो आपको यहां से बता देना है कि इसलिए किसमें, इसलिए इस चिन्ह में आर से आर में ए चिन्ह द्वारा परिभाषित है और ये वी की तरह चिन्ह लेना है आपको, आर क्रॉस आर, आर में ए वी बी, ये बी जैसा चिन्ह द्वारा परिभाषित है। अगर लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि दो वास्तविक संख्याओं में एक वास्तविक संख्या अधिकतम होगी और एक वास्तविक संख्या न्यूनतम होगी, तो यदि हम इसमें द्विआधारी संक्रिया कराते हैं तो वो एक परिभाषित द्विआधारी संक्रिया होती है। इतना चाहो तो ये भी लिख। अभी आपकी ये परिभाषा है क्रम विन्वय नियम या कम्युलेटिव रूल। तो कम्युलेटिव रूल और क्रम विन्वय की बात करूं तो मैं बता दूं आपको, कक्षा 6, 7, 8 से आप क्रम विन्वय नियम पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या होता है क्रम विन्वय नियम, आपको पता है कि मान लीजिए अगर आप 2+3 करते हैं या आप 3+2 करते हैं तो आपको 5 मिलता है, यानी अगर 2+3 करो या 3+2 करो तो आपको 5 मिलेगा। इसके अलावा यदि आप 2×3 करो या 3×2 करो तो आपको 6 मिलेगा। तो यही चीज कहलाती है क्रम विन्वय नियम। क्रम विन्वय नियम क्या है कि यदि आप ए स्टार बी करते हो, अब जहां स्टार आपको कुछ भी दर्शा सकता है, ठीक है, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, यही चीज आपकी द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। दो अंकों के बीच में ऑपरेशन कराते हैं उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए में, ये कहलाता है आपका क्रम विन्वय नियम, ठीक है ना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 पे। उदाहरण 34 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो प्लस है वो वास्तविक संख्याओं में और जो गुणा है वो वास्तविक संख्याओं में क्रम विन्वय द्विआधारी संक्रिया है, परंतु माइनस और भाग क्रम विन्वय नियम नहीं है। चलिए समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें प्लस की तो आप देखते हैं कि चूंकि हम यहां करते हैं कि चूंकि 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2 और 3 आर में है, तो आप यहां देखिए कि 2+3 करो चाहे 3+2 करो क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि आर में होगा। हम यहां से कह सकते हैं कि इसलिए जो प्लस है आर क्रॉस आर से आर में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी क्रम विनिमय नियम परिभाषित है, ठीक है, ये क्लियर है बात। अब यदि हम बात कर लेते हैं गुणे की, तो आपको देख रहे हो कि 2×3 करो चाहे 3×2 करो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, जो कि बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसलिए गुणा जो होगा वो आर से आर में क्रम विनिमय द्विआधारी नियम परिभाषित है, ठीक है ना, परिभाषित है। यही बात कर रहा था कि जो प्लस है वो क्रम विनिमय नियम को परिभाषित कर रहा और जो गुणा है वो भी क्रम विनिमय नियम को परिभाषित कर रहा, लेकिन आगे वो कह रहा था कि जो माइनस है वो क्रम विन्वय को पालन नहीं करेगा और जो भाग होगा वो क्रम विन्वय को पालन नहीं करेगा। चलिए देख लीजिए, ऐसा होता भी है, क्यों, क्योंकि 2-3 करो और अगर हम बात करते 3-2 की तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों जब बराबर नहीं है इसीलिए जो माइनस है सच दैट आर क्रॉस आर से आर में क्रम विनिमय द्विआधारी नियम परिभाषित नहीं है। क्लियर है मेरी बात। और अगर मैं भाग की बात कर लेता हूं तो आपको पता है कि 2/3 करो या 3/2 करो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। और क्रम विन्वय में क्या होना चाहिए कि ए और बी के बीच में आप ऑपरेशन कराते हो तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये कहलाता है क्रम विन्वय। और ये नियम घटाने में और भाग में लागू नहीं होता है।
इसीलिए जो भाग है आर से आर में, आर में क्रम विनिमय, क्रम विनिमय द्विआधारी नियम परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इस प्रकार से करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल रहते हैं द्विआधारी क्रिया के। अभी तक आपने जितना भी देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही आसान सवाल उठते जा रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात आप कान खोल के और आंख बंद करके सुन लीजिए अच्छी तरीके से, क्या कि आपको प्रॉपर, अगर आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, सबसे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप नोट्स बनाते चलिए। यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप 100 रुपये का रजिस्टर खरीद रहे या 150-200 रुपये का रजिस्टर खरीदे, मामूली 40 रुपये का जो रफ रजिस्टर होता है वो भी खरीद के आप प्रॉपर तरीके से आप उसमें फेयर का काम कर सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो मेरी गारंटी लीजिए कि बहुत अच्छे नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बाकी का मेरा साथ तो है ही, कोई भी दिक्कत होती है तो आपको इंस्टाग्राम और कमेंट्स आपका खुला है, धड़ल्ले से खूब सारे कमेंट्स करिए, मैसेज कीजिए, सबका मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, 35 की तरफ। तो एग्जाम्पल 35 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस टू बी द्वारा परिभाषित क्रम विनिमय नियम नहीं है, ये आपको कह रहा है। तो चलिए देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ए स्टार बी, तो जब हम ए स्टार बी करते तो हमें क्या मिलता भाई, ए प्लस टू बी। और यदि हम भाई बी स्टार ए करें तो क्या होगा, क्या हो रहा था कि पहली संख्या रख रहे थे प्लस लगाते हैं और दूसरी संख्या का हम दुगना कर देते हैं, यही नियम काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही काम करेगा कि पहली संख्या को आपको रखना है, प्लस लगाना है और दूसरी संख्या को डबल कर देना है। तो आप यहाँ से देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चूंकि ए प्लस टू बी नॉट इक्वल टू बी प्लस टू ए, इसलिए आप कह रहे हैं कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। और ऐसा जब हो नहीं रहा तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा, तो यहां से आप कह सकते हैं कि स्टार आर क्रॉस आर से आर में क्रम विनिमय विनिमय नहीं है, ठीक है ना, सिद्ध है इतना। ओके, और इतना था, देखिए कितना आसान सवाल है। अब अगला जो नियम आता है वो आपका है साहचर्य नियम या एसोसिएटिव रूल आप इसको बोलते हो। तो अब ये क्या कहलाता भाई, ये क्या सिस्टम है, तो समझ लीजिए कि मान साहचर्य नियम काम करता है तीन अंकों के बीच में, क्रम विनिमय कर रहा था दो के लिए, यहां पर साहचर्य काम करता है तीन के लिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो साहचर्य नियम ये कह रहा है कि भाई आप अगर ए स्टार बी कर रहे हो और उसके बाद स्टार सी करो तो आपको ए स्टार बी स्टार सी इस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए, और ये अगर सही है तो साहचर्य नियम का पालन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3, तो आप देखते हैं कि यदि 1 + 2 + 3 करो या 1 + 2 + 3 करो तो ये चीज सही हो रही, तो यही काम करता है साहचर्य नियम, ठीक है। या आप गुणे की बात कर लो, अगर 1 × 2 × 3 करो या 1 × 2 × 3 करो तो ये भी काम करता है, तो ये कहलाता है साहचर्य नियम। बहुत ही आसान है, एसोसिएटिव रूल, जैसा क्रम विनिमय हो रहा था वैसा आपका एसोसिएटिव रूल होता है, ठीक है, क्रम साहचर्य नियम होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 की तरफ। ओके, उदाहरण नंबर 36 की बात करते हैं, तो जैसे अपने उदाहरण नंबर 34 लगाया था उसी प्रकार से उदाहरण नंबर आपका 36 रहेगा। क्या कह रहा है कि उदाहरण नंबर 36 में सिद्ध कीजिए कि R में योग तथा गुणा साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, परंतु व्यवकलन यानी घटाना तथा भाग R में साहचर्य नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे करना है इसको। तो जैसे उदाहरण नंबर 36 लगाया था सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। मान लेते हैं कुछ संख्याओं को, हमने 2 3 मान लिया, 2 3 1 2 3 मान लिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना 1 2 3 belongs to capital R, capital R यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याओं को बता रहा है, real number को बता रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग में, ठीक है, योग में तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहचर्य है क्या। साहचर्य क्या होता है कि यदि A star B star C करे, ये बराबर होगा A star B और star C, ठीक है, इस प्रकार से होता है साहचर्य नियम। ओके, तो योग में कर रहे, तो योग में क्या कि 1 + 2 + 3, और ये चीज किसमें बराबर होती है, अगर हम पहले 1 कर दें 1 प्लस और 2 और 3 को जोड़ दें तो ये चीज सही होती है। ये किसके बराबर आएगा, ये 6 के बराबर आता है जो कि R में होता है, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि इसलिए प्लस जो होगा R क्रॉस R से R में
साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम है, ठीक है ना, प्लस में योग में साहचर्य नियम हो रहा। इसी प्रकार हम गुणा में दिखा रहे हैं, गुणा में अगर हम गुणा की बात कर रहे हैं तो हम इसी प्रकार दिखा देंगे कि वन मल्टीप्लाई टू, और फिर अगर हम तीन से मल्टीप्लाई करा दें, या फिर पहले हम वन मल्टीप्लाई करते हैं और दो और तीन का मल्टीप्लाई करा के कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिक्स मिलता है, बिलोंग्स टू आर। तो यहां से आप देख रहे हैं कि इसलिए मल्टीप्लाई में भी आर क्रॉस आर से आर में साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम है, ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो सेम टू सेम जैसे उदाहरण नंबर 34 था वैसे ही कर देना आपको। और अगर हम बात करते हैं व्यवकलन की, व्यवकलन की यानी अंतर की, ठीक है, अंतर में अगर हम बात करते हैं तो क्या दिखाते हैं हम कि अगर हम करते हैं 1-2 और फिर -3 करते हैं, या फिर हम 1-2-3 करते हैं, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं आती, ठीक है ना। यहां से आप देखिए, यहां से अपन को क्या मिलेगा, यहां से अपन को मिल जाएगा 1-2-1 और -3-4 मिलेगा। यहां से क्या मिलना है, यहां से आपको मिलना है -1 और यहां से प्लस का 2 मिल रहा है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि यहां से आप कह सकते हो कि इसलिए माइनस जो होगा माइनस सच दैट आर क्रॉस आर से आर में साहचर्य नियम नहीं है, साहचर्य नियम नहीं है, ठीक है ना। और सेम प्रोसेस आपकी भाग की रहेगी। तो भाग में क्या दिखाना है कि अगर हम बात करें कि 1/2 / 3 करें, या फिर हम कर रहे हैं, या फिर हम कर रहे हैं कि 1/2 / 2 / 3 को डिवाइड कर लो इस प्रकार से, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं आती। कैसे इसको आप हल करके देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को करते हो तो ये कितना आता है, ये हो जाएगा आपका 1 × 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, और यहां से होगा 1/2, पहले कोष्टक को हल करोगे तो 2 × 1/3। आपको पता है कि भाग को हटाते हैं और गुणे का चिन्ह लगा के अगली वाली जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलना है, यहां से मिलना आपको 1/2, और इसको हटाएंगे तो गुणा आएगा, गुणे 1/3, और इसमें क्या होगा 1, इसको हटाना है भाग को गुणा, और ये हो जाएगा 2/3। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 1/6 मिल रहा है, यहां से आपको 2/3 मिल रहा है, दोनों चीजें बराबर नहीं है ना। ये हल करने की जरूरत है नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इतनी लाइन लिखते बराबर नहीं दिखाते और इसको हल कर देते। तो यहां से आप क्या करना है कि इसी भाग जो होगा वो आर से आर में साहचर्य नियम नहीं है, साहचर्य नियम नहीं है। तो इस प्रकार से दिखाना था, आप हैंस प्रूफ कर सकते हो। ओके, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही। अब उदाहरण नंबर 37 की बात करें तो ये उदाहरण नंबर आपके 35 की तरह था, जैसे आपने उदाहरण नंबर 35 लगाया था वैसे ही उदाहरण नंबर 37 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी जो कि ए प्लस 2b द्वारा प्रदत्त है, साहचर्य नहीं बता रहा है, आर से आर के लिए साहचर्य नहीं बता रहा। तो वैसे ही करते हैं, जैसे अपने 35 उदाहरण नंबर लगाया था एग्जाम्पल, कैसे करना है समझिए। अब आपको ये दे रखा है कि ए स्टार बी किसके बराबर हो रहा है, ए प्लस 2b के। तो साहचर्य के लिए क्या होता है, साहचर्य में क्या होता है, साहचर्य में आपका होता है कि ए स्टार बी स्टार सी तीसरा लग जाता है, बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। तो हम LHS और LHS ले लेते हैं। तो अगर हमने LHS लिया, क्या लिया, ए स्टार बी स्टार सी, इसको लिया, तो देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये हो रहा है कि पहला आपको रखना है स्टार की जगह प्लस लगाना है और दूसरे वाले को डबल कर देना, सेम हो रही। तो ए स्टार बी की जगह क्या रखने हैं, ए प्लस टू बी स्टार सी। अब पूरा जो ऑपरेशन है, जो क्रिया है, वो इसमें लगा देंगे। कैसे कि इसमें आप लगाओगे, पहले आपको रखना है ए प्लस टू बी, स्टार की जगह प्लस लगाना है और दूसरे वाले को डबल कर देना, तो ये निकल के आएगा। अब अगर हम RHS में देखिए क्या करना है, RHS में करेंगे, आपको RHS दिया है आपको ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले जो चीज कोष्टक में उसमें ऑपरेशन लगा दो, तो ए स्टार, अब इसमें लगाएंगे तो क्या करेंगे, बी को रखेंगे प्लस लगाएंगे और सी का हम कर देंगे डबल, 2c, ठीक है। अब फिर से लगा देंगे तो पहले ए को रखना है प्लस लगाना है और जो दूसरा वाला है उसका कर देना है डबल, तो बी प्लस 2c। तो यहां से आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है, ए प्लस 2b प्लस 4c। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चूंकि ए प्लस 2b प्लस 2c नॉट इक्वल टू ए प्लस 2b प्लस 4c, इसका मतलब क्या कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां से आप कह सकते हैं कि साहचर्य नियम का पालन नहीं होता, साहचर्य नियम का पालन नहीं होता, ठीक है, या साहचर्य नियम के लिए परिभाषित नहीं है। ओके, अब आपका एक नियम निकल के आता है यहां से, तत्समक नियम एक और है।
अब तत्समक नियम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तत्समक नियम में होता क्या है, इसको ऐसे समझे कि यदि हम किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और यदि हम किसी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होती है। तो ये चीज कहलाती है तत्समक नियम, यानी जीरो जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और एक का गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ जीरो और एक तत्समक नियम के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, द्विआधारी आधारित संक्रिया में आज यहां पर वास्तविक संख्या को बता रहा, योग में शून्य की विशेषता किस प्रकार से होती है कि यदि हम किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, ठीक है। और गुणा की विशेषता क्या होती है कि किसी संख्या में हम गुणा करते हैं एक का, किसी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं कि किसी द्विआधारी आधारित संक्रिया में स्टार जो होगा वो समुच्चय ए के लिए बात कर रहा। अब द्विआधारी आधारित संक्रिया आपको पता कि किसी भी समुच्चय में लगाएंगे तो उसी समुच्चय में होगा जो रिजल्ट निकलेगा वही समुच्चय निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द्विआधारी आधारित संक्रिया एक ही समुच्चय में लग रही और वही से रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। के लिए यदि कोई अवयव ई, कोई भी अवयव हो सकता है ई, इस प्रकार है कि आपने जो संक्रिया कराई तब भी जो रिजल्ट निकल आया वो वही संख्या निकल के आई, तो ई को तत्समक अवयव कहते हैं। यहाँ पर जो ई है वो जीरो और एक को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब जीरो कब लगता है, जीरो लगता है योग के लिए और वन लगता है मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तत्समक वाला नियम था। उदाहरण नंबर 38 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में शून्य योग का तत्समक है तथा एक गुणे का तत्समक है, परंतु संक्रियाओं माइनस और भाग के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। तो इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है, आपको बस लिखना है थ्योरेटिकली, थ्योरी के आधार पर लिखना है, क्या लिख देना है जैसे मैंने ऊपर समझाया उसी आधार पर लिख सकते हैं कि यदि आप a प्लस जीरो करते हैं तो आपको a मिलता है, या जीरो प्लस a करें तो भी आपको a ही मिलेगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि योग में जीरो तत्समक अवयव है इस प्रकार से, ठीक है। और इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई के लिए दिखा दीजिए, और a मल्टीप्लाई वन बराबर a बराबर वन मल्टीप्लाई a, तो गुणा में वन तत्समक अवयव है, इस प्रकार से दिखाना था और कुछ नहीं था, ठीक है ना, तत्समक अवयव है। अब अगर हम बात करें माइनस और अंतर और भाग की, ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है कि a माइनस जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो माइनस a, भाई दोनों चीजें बराबर नहीं होती, यहां पर प्लस का आएगा यहां पर माइनस का आएगा। तो और अगर हम भाग की बात कर लेते तो a डिवाइडेड बाई जीरो, ये तो आपरभाषित हो जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो डिवाइडेड a, ठीक है। तो इस प्रकार अंतर और भाग में कोई तत्समक अवयव नहीं है, कोई तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है, या फिर कोई तत्समक अवयव नहीं है R के लिए, R में, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखाना था, ओके। तो अब हम टिप्पणी की बात करते हैं, कह रहा है कि R में शून्य यानी योग का तत्समक, जैसे आपने पढ़ा कि जो R में होता है वो जीरो जो होता है वो योग के लिए तत्समक होता है और एक जो होता है वो गुणे के लिए तत्समक होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जीरो जो है वो R में योग का तत्समक है, लेकिन एन में, एन क्या प्राकृतिक संख्या, एन में शून्य जो है योग का तत्समक नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई जीरो तो एन में होता ही नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि जीरो नॉट बिलोंग्स टू एन, एन में योग का कोई तस्मक नहीं होता है, तो एन में जीरो नहीं होता है इसलिए एन में योग का तस्मक नहीं होगा, क्योंकि एन में एक होगा इसलिए गुणा का तस्मक तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई टिप्पणी की बात। अब तस्मक के बाद अगली जो परिभाषा आती है वो आती है आपकी प्रतिलोम की, ठीक है, तस्मक के बाद जो है आगे वो है प्रतिलोम। अब प्रतिलोम में क्या है कि आप जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है और एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है। अब यहां पर क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या घटाएं ताकि जीरो मिल जाए और ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें ताकि एक मिल जाए, ये कहलाता है प्रतिलोम। मैंने क्या बोला कि ऐसी कौन सी संख्या घटा दें ताकि जीरो मिल जाए, तो ये कहलाएगा योग का प्रतिलोम, और ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें ताकि आपको एक मिल जाए, तो ये कहलाएगा गुणे का प्रतिलोम, ठीक है। तो R में द्विआधारी संख्या के लिए अब योग का हम प्रतिलोम करें, तो अगर हम कोई संख्या A माने तो A में हम A को घटा दें तो हमें जीरो मिल जाएगा,
ठीक है। और गुणे का प्रतिलोम करें तो अगर हम a में 1/a का गुणा कर दें तो हमें गुणे का प्रतिलोम मिल जाएगा। तो ये कहलाता है प्रतिलोम, योग और गुणे में प्रतिलोम, ठीक है। तो आप परिभाषा की अगर हम बात कर लें तो किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार, अगर कोई द्विआधारी संक्रिया है, के लिए कोई अवयव जो है वो समुच्चय ए में है, किसी अवयव समुच्चय ए में है, को संक्रिया स्टार का व्युत्क्रमणीय कहेंगे। प्रतिलोम को संक्रिया को व्युत्क्रमणीय कहते हैं, और जो अवयव होता है उसको हम प्रतिलोम बोलेंगे, ठीक है। जब ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, और मैंने आपको बताया था कि जो ई होता है, जो ई होता है वो जीरो और एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां पर जो बी है वो प्रतिलोम को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो हम बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं और बी को ए इनवर्स से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स स्टार ए। तो यहां पर ई क्या होता है, यहां पर ई जीरो और वन होता है, ठीक है, जीरो या वन। तो इस प्रकार से था। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर है आपका 39। उदाहरण नंबर 39 की बात करें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया यानी योग, योग के लिए माइनस ए का प्रतिलोम ए है और आर में गुणा संक्रिया के लिए ए, अब यहां पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो का प्रतिलोम वन अपॉन ए, इस प्रकार से कह रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, जैसे आपने ऊपर किया है तत्समक और प्रतिलोम के लिए, प्रतिलोम के लिए, तो वहां पर उसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को दिखा देना है, कैसे करना है समझिए। तो योग में, योग में प्रतिलोम, ठीक है, आर के लिए। अब यहां क्या दिखाएंगे, तो ए अगर हम माइनस ए जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। और माइनस ए के साथ यदि हम ए जोड़ते हैं तो अभी जीरो मिलता है। फोर और, इसको हम बोलते हैं फोर ऑल, फोर ऑल, ठीक है। ये चिन्ह जो होता है उल्टा ए, फोर ऑल कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि उस समुच्चय के लिए, ठीक है, उस समुच्चय में, ठीक है, तो फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए जो है वो आर का एक अवयव है। तो योग में प्रतिलोम हो गया। योग में प्रतिलोम क्या होता है, योग में प्रतिलोम आपका माइनस ए होता है, ठीक है, माइनस ए। अब हम बात कर लेते हैं गुणा में प्रतिलोम। तो गुणा में प्रतिलोम आर के लिए, ठीक है। तो गुणे में प्रतिलोम क्या होगा कि ए गुणे वन अपॉन ए करें तो आपको वन मिलता है, या वन अपॉन ए गुणे ए करते हैं फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में। तो यहां पर गुणे में प्रतिलोम क्या निकल के आया, गुणे में जो प्रतिलोम निकल के आया वो वन अपॉन ए निकल के आया है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अतः आर में प्लस का प्रतिलोम ए के लिए माइनस ए और गुणा का प्रतिलोम ए के लिए क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए है। इस प्रकार से करना था, बहुत ही आसान है। और मैंने बताया था कि प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं कि योग में जीरो आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वन आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखा लिस कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एन, एन क्या है, प्राकृतिक संख्या। एन में धन संक्रिया के लिए ए बिलोंग्स टू एन का प्रतिलोम माइनस ए नहीं है, और एन में गुणा संक्रिया के लिए ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है, जहां पर ए का मान वन नहीं है, ठीक है, का प्रतिलोम वन अपॉन ए नहीं है, ठीक है, ए का मान एक नहीं मानना है। तो अब यहां पर आप ये सोचिए कि आपको इस प्रकार से लेना है कि ए का प्रतिलोम माइनस ए होता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या होती नहीं है, निगेटिव वाली संख्या, माइनस वाली संख्या एन में नहीं आती। तो हमें यही लिखना है कि ए का प्रतिलोम माइनस ए होता है और ऋणात्मक संख्या एन में नहीं होती है, एन नहीं होती है, इसीलिए माइनस ए नॉट बिलोंग्स टू एन। अतः ए का प्रतिलोम माइनस ए एन में, माइनस ए एन में उपस्थित नहीं है, ठीक है, एन में उपस्थित नहीं है। और इसी प्रकार आपको गुणे का दिखा देना है, क्यों, आपको पता है कि जो बटे वाली संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि दो है, तो दो एन में है, इसका प्रतिलोम क्या बनेगा, 1/2, लेकिन ये एन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बता देना है कि ए का प्रतिलोम वन अपॉन ए का गुणात्मक प्रतिलोम, ए का गुणात्मक
एका गुणात्मक प्रतिलोम, और ये यहां पर आपको बताना था योगात्मक प्रतिलोम, यहां पर कौन सा था योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है और भिन्न वाली संख्या, और भिन्न वाली संख्या एन में उपस्थित नहीं होती है, एन में उपस्थित, भिन्न वाली संख्या एन में उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अर्थात 1/a नॉट बिलोंग्स टू एन, जहां पर आपका ए का जो मान है, जहां ए नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यदि आप 1 ले लोगे, ए का मान 1 ले लोगे, तो फिर वहां पर उसका प्रतिलोम भी 1 ही आएगा, क्योंकि एक का प्रतिलोम एक ही होता है, 1/1 करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। तो जहां पर ए का मान 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अतः ए का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम 1/a एन में उपस्थित नहीं है, एन में उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से दिखाना था, सवाल बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, एकदम फ्लुएंटली आपको चल रहे होंगे, आपको पता है। तो अब अपन को बात करनी है एक्सरसाइज 1.4 की, और यदि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या देख रहे हो, इंतजार किस बात का है, इंस्टाग्राम पर अभी जाइए, अभी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम नहीं भी है तो डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लीजिए फटाफट, क्योंकि वहां पर मैं हर तरीके के हर स्टूडेंट का जवाब रिप्लाई देता हूं और आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। प्रश्नावली 1.4 की बात करते हैं। पहला सवाल आपको कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस जिस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। औचित्य का मतलब ये है कि आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। सवाल बहुत ही आसान होने वाला है। क्या कह रहा है पहला आपको क्वेश्चन कि जेड प्लस, अब आपको जेड प्लस का मतलब क्या है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है कि जीरो के राइट साइड पे आपकी पॉजिटिव संख्या और लेफ्ट साइड पर निगेटिव संख्या, और पूर्णांक में आपकी दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती है। ये चीज मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं। अब जेड प्लस कह रहा है तो जेड प्लस का मतलब यहां पर क्या है कि जेड प्लस का मतलब यहां पर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, ये कह रहा। अब जेड प्लस का मतलब क्या है कि जेड प्लस का मतलब है यहां पर 1, 2, 3, 4 इससे, ठीक है। तो अगर हम दो संख्याएं मान लेते हैं, मान लिया कि हमने 1, 2 ले लिया, ठीक है। तो अगर आप यहां 1, 2 रखो, 1 - 2, तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 जेड प्लस में नहीं होगी। तो यहां आप कह रहे हैं -1 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ए माइनस बी जेड प्लस में परिभाषित नहीं है, यही चीज हो रही है आपके सामने, समझ में आ रही बात क्लियर हो रही कि ए स्टार बी, जो ए स्टार बी दिया है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है, जेड प्लस के लिए कह रहा। तो आपको यही लिखना है कि जेड प्लस में पूरी चीज यही लिख दोगे कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब जब नहीं है तो औचित्य क्या बताओगे, औचित्य में आप ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया है उसको लिख दोगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, लेकिन 1 - 2 = -1 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसलिए ए माइनस बी द्विआधारी संक्रिया जेड प्लस में नहीं है, इतना बताना था, क्लियर है मेरी बात। सवाल बहुत ही आसान होने वाले हैं, आप ये समझिए। अब ये कह रहा है कि जेड प्लस में, ध्यान समझते जाइएगा, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है, तो ये निश्चित तौर पर होगी। अब जेड प्लस का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली संख्या है। अब यदि दो संख्याओं का आप गुणा कराओ तो आपको जो अगली संख्या मिलेगी वो भी जेड प्लस में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मान लीजिए आप सोचिए कि जेड प्लस का मतलब क्या है, जेड प्लस का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से डॉट 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 आगे चलेगा। अब इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं को लो, उनका आपस में गुणा कराओ, यहां गुणा ही तो हो रहा, अगर आप गुणा कराओ तो एक तीसरी जो संख्या मिलेगी वो जेड प्लस में होगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए बी जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि
दो जेड प्लस वाली संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें एक जेड प्लस की संख्या प्राप्त होती है। इसलिए जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी एक द्विआधारी संख्या को परिभाषित करता है। इसी प्रकार आप जरा सोचिए तीसरा चौथा पांचवा, अगर आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। जरा समझिए तीसरा सवाल समझिए, कह रहा आर में, आर क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में हर तरह की संख्या आती है। संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। अब इसका मतलब क्या कि भाई कोई भी दो आपने वास्तविक संख्या उठा ली, कोई भी दो संख्या, उसका अगर वर्ग करो, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर आपको वास्तविक संख्या मिलेगी। जैसे कि माइनस तीन का अगर आप वर्ग करते हो तो नौ मिलता है, ये भी आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग करो तो वास्तविक संख्या, और अगर दो वास्तविक संख्याओं का गुणा कराओ तो भी वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब क्या कि ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर आर में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। जो कुछ भी मैंने बोला है, जो आपके दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो लिखने का तरीका, क्यों, क्योंकि आप समझ तो गए हो। तो जो कुछ भी भाषा कोई बहुत कठिन नहीं लिखनी पड़ती, जो आप दिमाग में सोच रहे हो वही लिखना है। टीचर को आपको बताना है कि ये भाई द्विआधारी संक्रिया है। अब कैसे है? इस प्रकार से लिखोगे कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग एक वास्तविक संख्या होता है और दो वास्तविक संख्याओं का गुणा भी एक वास्तविक संख्या होता है, इसीलिए दी हुई द्विआधारी संक्रिया आर में परिभाषित है। खत्म बात, इतनी सी बात थी, निपट गई बात। ठीक है, चौथे की बात कर लो, जेड प्लस में, जेड प्लस आपको पता है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी बराबर परिभाषित है। अब ऊपर जो था वो वहां पर मॉड नहीं दे रहा था, यहां पर मॉड नहीं दे रहा था, तो परिभाषित नहीं हो रही थी। लेकिन अगर यहां पर बात करें यहां के लिए तो मॉड दिया है। अब मॉड का मतलब क्या है कि अगर निगेटिव की भी संख्या आती है तो मॉड्यूलस लगा है, तो जब मॉड लगा है मापांक लगा है तो हम क्या प्लस मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप 1 2 3 4 लेते भी हो, 1 2 3 4 लेते भी हो, और अगर आप 1 2 करते हो और मॉड लगाए तो आपको 1 मिलेगा जो कि जेड प्लस में होगा। तो यहां से भी परिभाषित हो रही, यही लिख दोगे कि अगर हम बात करें ए स्टार बी बराबर ए मॉड ऑफ ए माइनस बी जेड प्लस में परिभाषित है, क्योंकि मापांक के अंदर की संख्या जब बाहर निकलती है तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है जो कि जेड प्लस में उपस्थित होगी। तो ये परिभाषित हो रहा। अब यहीं पर हम बात कर लें पांचवें सवाल की, तो देखिए कुछ नहीं सवाल को है, कह रहा कि यदि हम ए स्टार बी करते हैं तो हमें ए मिलता है। भाई जरा सोचो, मान लो आप 2 स्टार 3 तो आपको क्या मिलेगा, आपको पहली वाली संख्या मिलेगी 2 मिलेगी जो कि जेड प्लस में होगी। तो ये भाई परिभाषित हो रहा कि नहीं हो रहा। तो बस आप अगर सोचिए इन सवालों में क्या था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो आप सोच पा रहे हो वो लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, खत्म कीजिए। ओके, चलिए अगले सवाल, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए, क्या स्टार द्विआधारी क्रम में है तथा क्या स्टार साहचर्य है। तो आपको ये बताना है कि जो द्विआधारी आपका सिंबल है स्टार, वो क्रम में बना रहा है कि और साहचर्य बना रहा है कि नहीं। ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, इस आधार पे आपको बताना है। तो आपको पता है क्रम में क्या है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, और साहचर्य नियम क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इस प्रकार से नियम काम करता है। तो चलिए पहले वाले में देख लेते हैं, पहले वाले में अपन क्रम में को देखते हैं। तो आपको क्या दिया है, जेड दिया है। ठीक है, अब जेड का मतलब क्या कि जेड का मतलब पूर्णांक संख्या है, यानी 0 के राइट साइड में पॉजिटिव संख्या है इस प्रकार से, और लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या ये होती है। अब जेड में कह रहा है, पूर्णांक में कह रहा है, तो अब यहाँ पर सोचने की बात है। तो हम अगर क्रम विनिमय की देखें, क्रम विनिमय नियम को अगर देखें तो LHS लेते हैं। ठीक है, LHS क्या कि A स्टार B क्या होगा, A माइनस B, और अगर अपन RHS को देखें तो RHS क्या कि बी स्टार ए, तो जब बी स्टार ए होगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए होगा, क्योंकि पहले वाले में से दूसरा वाला घट रहा था, यही हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए उपरोक्त नियम क्रम विनिमय
का पालन नहीं करता है, का पालन नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते थे कि जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी क्रम विनिमय द्वारा परिभाषित नहीं है। अब चलिए तो पहले में अगर हम साइचर की बात करते हैं तो साइचर में हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, और LHS के लिए हल करें, अगर हम LHS के लिए हल करें तो क्या होता है LHS, ये होता है ए स्टार बी और स्टार सी। तो पहले इन दोनों में लगा देंगे, तो जब इन दोनों में लगाएंगे तो ए माइनस बी और स्टार सी, अब पूरे में लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरा वाला घटना है, तो ये क्या निकल गया, ए माइनस बी माइनस सी निकल गया, ठीक है, LHS हो गया। अब अगर हम RHS की बात करते हैं तो RHS क्या कि ए स्टार बी स्टार सी, अब बी स्टार सी में पहले लगाओ जो कोष्टक में उसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, अब पूरे में लगा देंगे, जब हम पूरे में लगाएंगे तो ए माइनस बी माइनस सी, और हम गुणा करेंगे अंदर तो ए माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है कि चूंकि ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये दोनों थे पहले, ठीक है, बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो द्विआधारी संक्रिया है पहली वाली, ठीक है, इतना लिख के जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्विआधारी संक्रिया में साहचर्य नियम परिभाषित नहीं है या साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, इस प्रकार से लिख दें। तो अभी आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और ये आपने पहला क्वेश्चन देखा तो अभी सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए पहले हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू बराबर क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन द्वारा परिभाषित है, तो इसमें हम क्रम विनिमय का पालन कराएंगे, पहले क्रम विनिमय लगाते हैं, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो हम अगर LHS ले लेते हैं, ये LHS क्या कि ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन। अब हम RHS लेते हैं, तो जब हम RHS लेते हैं तो RHS में क्या कि बी स्टार ए, तो जब हम बी स्टार ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ए प्लस वन, यानी यहां से देख रहे हैं कि दोनों चीजें बराबर है, तो यहां से क्या हो रहा है कि चूंकि ए बी प्लस वन बराबर बी ए प्लस वन, यहां से कह रहे हैं हम कि इसीलिए इसीलिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन जो है द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब हम साहचर्य नियम को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन, तो इसके लिए हम साहचर्य नियम देखते हैं। तो LHS अगर आपने लिया तो LHS क्या कि ए स्टार बी और स्टार सी, तो अब हम ए स्टार बी में लगाएंगे, ए स्टार बी क्या कह रहा था ए बी प्लस वन, तो हम ए बी प्लस वन लगाएंगे तो ए बी प्लस वन और स्टार सी। अब ये स्टार बी का मतलब क्या था कि पहले दोनों का गुणा कर देना और फिर एक जोड़ देना है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, पहले दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, और एक जोड़ देंगे, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए बी सी प्लस सी प्लस वन। अब हम RHS निकाल लेते हैं, ठीक है, तो RHS निकालिए, तो ये क्या है RHS ए स्टार और फिर बी स्टार सी, ये करेंगे तो इसमें लगाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा ए स्टार, ये कितना हो जाएगा बी सी प्लस वन, ठीक है। अब दोनों में पूरे में लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए और बी सी प्लस वन, इतना आएगा और एक जोड़ दोगे, ठीक है ना, क्या हो रहा था दोनों का गुणा करके एक जोड़ना था, तो दोनों का गुणा किया और एक जोड़ दिया तो कितना निकलेगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। और यहाँ से आप देखिए ये LHS और ये RHS दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS इसीलिए आप क्या बोल दोगे कि इसीलिए क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन साहचर्य नियम को परिभाषित नहीं करता है या पालन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन टू, तो पहले क्रम विनिमय नियम को देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम देखेंगे तो LHS में क्या ले लेना, LHS में आप ले रहे हैं ए स्टार बी, तो ए स्टार बी क्या है ए बी अपॉन टू। अब RHS ले लीजिए तो RHS क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा आपका बी स्टार ए, तो हो क्या रहा था दोनों का गुणा करके बटे दो करना था, यानी बी ए अपॉन टू, तो बी ए अपॉन टू को क्या लिख सकते हो आप ए बी अपॉन टू भी लिख सकते हो। तो यहां से आप देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS है, इसका मतलब क्या कि Q में A स्टार B बराबर AB अपॉन टू जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर। अभी तीसरे में साहचर्य नियम की बात करते हैं, तो LHS ले लिया, LHS में अपन को क्या लेना है, LHS में अपन को दिखाना है A स्टार B और स्टार C, ठीक है, ये LHS में दिखाते हैं,
तो अब यहाँ पर हम ए स्टार बी की वैल्यू रखेंगे, तो ए स्टार बी के लिए क्या रखना है अपन को, ए बी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन टू, ठीक है। और स्टार सी कर रहे हैं अब, अच्छा नियम के हिसाब से क्या था कि दोनों का गुणा करके बटे दो करना था, दोनों का गुणा करके बटे दो कर देंगे, तो ए बी अपॉन टू गुणे सी और बटे दो, तो यहाँ से क्या निकलना है, यहाँ से निकलना है आपको ए बी सी अपॉन फोर, ये वाला टू नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी सी अपॉन फोर। अब इसी प्रकार आप आर एच एस दिखा रहे हैं, तो आर एच एस में क्या साहचर में होता है, ए स्टार और फिर बी स्टार सी, तो पहले हम लगाएंगे बी सी में, तो बी सी में लगाएंगे तो ये क्या आएगा, ए स्टार हो जाएगा आपका बी सी अपॉन टू, फिर लगा देंगे पूरे में, तो ये क्या निकल गया ना, ये हो जाएगा दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा करना है और बटे दो कर देना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा ए बी सी अपॉन फोर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हो रहे हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दिए हुए नियम में साहचर्य नियम परिभाषित होता है, या दिए हुए क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन टू साहचर्य नियम के लिए परिभाषित है, तो इस प्रकार से आप बताओ। अब क्वेश्चन नंबर चार में हम बात करते हैं क्रमन्वय नियम की, तो क्रमन्वय में क्या लेते हैं, एल एच एस अगर अपने लिया चार में एल एच एस, तो एल एच एस में क्या है कि ए स्टार बी, तो ए स्टार बी क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका ए स्टार बी दो की घात ए बी, टू की पावर ए बी, मतलब दो के दो पर आपको पावर लगानी है दोनों का गुणा करके। और अगर हम आर एच एस लेते हैं, तो आर एच एस क्या कि बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा टू, और बी घात कितनी बी ए, अब दो की घात बी ए, अब दो की घात बी ए का मतलब भी क्या हुआ दो की घात ए बी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस बराबर हो रहा है, तो जब एल एच एस आर एच एस बराबर हो रहा है तो ये जो दिया है आपका जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर दो की घात ए बी क्रमन्वय नियम को परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में हम साहचर्य नियम की बात करते हैं, तो अगर हमने एल एच एस लिया, एल एच एस ठीक है, तो एल एच एस में क्या, एल एच एस होगा आपका ए स्टार बी और स्टार सी, ये दिखा रहा है ठीक है, तो ए स्टार बी में क्या कि दो की घात ए बी और स्टार सी, ठीक है। अच्छा हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि दो पर दोनों की घात घात चढ़नी है और गुणे के रूप में चढ़नी है, ठीक है ना, दोनों का गुणा होना है और वो दो की घात के रूप में चढ़ना है, तो इसी प्रकार यहाँ कर देंगे दोनों का गुणा और दो की घात के रूप में, दो की घात और दो पर ए बी और गुणे सी, इस प्रकार से हो रहा, ठीक है ना, तो ये हो गया एल एच एस, बात समझ में आ रही। और हम अगर आर एच एस निकालते तो आर एच एस क्या कि ए स्टार और फिर बी स्टार सी, तो हम पहले बी सी में लगाएंगे, जब हम बी सी में लगाएंगे तो क्या कि ए स्टार हो क्या रहा था दो की घात बी सी, मतलब दोनों का गुणा और वो जो गुणा होगा वो दो की घात के रूप में जाएगा, ये हो रहा था। अब यहां पर भी कर देंगे कि दोनों का गुणा करना है दो की घात के रूप में, यानी दो की घात ए गुणे टू की पावर बी सी। अब अगर यहाँ पर आप एल एच एस और आर एच एस का कंपेयरिंग देखो यहाँ पर, तो दोनों चीजें बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या कि एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो ये जो नियम दिया है इसके लिए क्या हो जाएगा, इस साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। नंबर पांच में क्रमन्वय नियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्रमन्वय नियम में क्या हो जाएगा, ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या है ए की घात बी, और जब आप आर एच एस लोगे आरएचएस में क्या कि बी स्टार है, तो हो क्या है जो पहला वाला है वो आधार है और जो दूसरा वाला है वो घात हो रहा, यही हो रहा, पहला वाला आधार यानी बेस हो रहा और जो सेकंड है, सेकंड एलिमेंट है वो अवयव, वो आपका घात चढ़ रहा है यानी पावर चढ़ रही, तो यहां पर आप क्या कह दोगे कि बी की घात ए, तो यहां से आप देख सकते हो कि क्योंकि ए की घात बी नॉट इक्वल टू बी की घात ए, तो यहां से आप कह रहा है कि नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए की घात बी क्रमन्वय नियम के लिए परिभाषित नहीं। अब पहले के पांचवे में साहचर्य नियम की बात करें, तो हमने एल एच एस ले लिया ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, तो इसमें हम लगा देते हैं नियम, तो जब हम इसमें लगाएंगे तो पहले क्या इसमें लगाएंगे ए स्टार बी में, तो ए स्टार बी क्या है ए की घात बी, हो क्या रहा है कि आप पहले को आधार रख रहे हो दूसरे वाले को घात चढ़ाना है, तो ए स्टार ए की घात बी हो गया, और यहां पर आप लगाएंगे स्टार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आधार और ये इसको चढ़ाना है आपको घात, तो ये क्या हो जाएगा ए की घात बी और उस पर टोटल घात क्या हो जाएगी सी, इस प्रकार से चढ़ा दोगे। अब हम बात करते हैं आर एच एस की, तो अगर हम बात करते हैं आर एच एस की, तो आर एच एस क्या ए स्टार और फिर बी स्टार सी, तो यहाँ पर पहले आप लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार, ये हो जाएगा बी घात सी, अब इसमें लगा दोगे तो यहाँ से क्या लगाना है कि ये ए की घात हो जाएगा ए की घात बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ही चीजें अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना कि दोनों ही चीजें अलग अलग है, आप वैल्यू पुट करके मान सकते हैं, अगर आप ए का मान दो, बी का मान तीन और सी का मान चार माने और इसमें हल करके देखें
क्या ये दोनों बराबर हो रहे? दोनों बराबर नहीं होंगे। और यदि आपके बराबर हो रहे इसका मतलब आप किसी ना किसी घातांक के नियम में गलती कर रहे हो, इसलिए आपको ध्यान रखना। ठीक है, कमेंट्स करके बताइए कि आप इसके मान को बराबर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। और याद रखिएगा ये दोनों मान बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी मान आप रख के दे सकते हैं, दो तीन चार के अलावा कुछ भी मान रखे, ठीक है, बराबर नहीं आएगा। ए बी सी को आपको 1-1-1 नहीं मान लेना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो इस बात को यहाँ पर क्लियर है कि ये जो तो दोनों वैल्यू है, ये जो दोनों वैल्यू है बराबर नहीं है। ओके, तो जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं है इसका मतलब क्या कि साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात? और ये चीज मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपसे ये चीज बननी चाहिए, ये दोनों ही चीजें बराबर नहीं आएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए छठवें की बात कर लेते। तो छठवा क्वेश्चन कह रहा है आपको इस प्रकार से कि ए स्टार बी दिया है आपको, ए अपॉन बी प्लस वन, मतलब क्या कि जो पहला वाला है वो ऊपर रहेगा अंश में और दूसरा वाला हर में एक के साथ प्लस हो जाएगा, वन ऐड कर दोगे, यानी एलएचएस क्या क्रम में ए स्टार बी जो बन रहा है आपको ए अंश में जाना और बी प्लस वन कर देना। अगर हम बात करते हैं आरएचएस की तो आरएचएस क्या है कि बी स्टार ए, तो क्या हो जाएगा जो बी होगा वो ऊपर चला जाएगा और ए प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब क्या कि जो छठवां आपको ये कह रहा है वो क्रमन्वय नियम का पालन नहीं कर रहा। तो छठवें वाले में अपन साहचर्य नियम की बात करते हैं, तो एलएचएस ले लिया अपन ने, एलएचएस लिया ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब ए स्टार बी में लगा दीजिए, कैसे लगाना, ए ऊपर और बी प्लस वन कर देंगे, ठीक है, स्टार सी। अब पूरे तो क्या होगा, जो पहला वाला है वो अंश में जाएगा यानी ये जाएगा अंश में और ये वाले में आप जोड़ दोगे यानी सी प्लस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली भिन्न थी नीचे भिन्न नहीं थी, तो नीचे वाले को भिन्न बना लेंगे नहीं बटे एक कर देंगे। अब जब पलटेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये हो जाएगा आपका a अपॉन बी प्लस वन, एक ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा c प्लस वन। तो यहाँ से क्या निकलना है, LHS, LHS हो जाएगा a अपॉन बी प्लस वन और c प्लस वन निकलना है। अब अपन बात कर लेते हैं RHS की। ठीक है, तो अगर हम RHS देखते हैं, RHS की अगर हम बात करें तो RHS क्या कि A स्टार और फिर B स्टार सी। तो इसमें पहले BC में लगाएंगे तो ये A स्टार पर क्या हो जाएगा अपॉन C प्लस वन, अब पूरे में लगाएंगे तो क्या करना है, जो पहला था वो अंश में जा रहा था और जो दूसरा था वो हर में जा रहा था एक प्लस करके, तो B अपॉन प्लस वन इस प्रकार से होगा। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है, अब नीचे वाले में लाना लेना है आपको लासा, तो ये ए ऊपर और ये हो जाएगा आपका सी प्लस वन और ये आएगा आपका बी प्लस और ये सी प्लस वन। अच्छा, भिन्न क्या है, भिन्न है आपकी नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ए के नीचे लोगे वन ए अपॉन वन पलट दोगे तो ये सी प्लस वन अपॉन बी प्लस प्लस वन। तो यहाँ आप देख रहे हो ये हो रहा आपका ए सी प्लस वन और ये हो रहा आपका बी प्लस सी प्लस वन। तो यहाँ से आपने देखा कि ये है आपका एल एच एस और ये है आपका आर एच एस, तो ये एल एच एस RHS। ठीक है, तो साहचर्य नियम का पालन। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 में आपको ये A और ये एक तरह का चिन्ह दे दिया इन्होंने, B बराबर निम्नतम AB द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, संक्रिया के लिए आपको एक सारणी लिखनी। तो आपने उदाहरण नंबर 33 पढ़ा था, सेम टू सेम सवाल वैसे ही है। ठीक है, वहां पर भी मैंने बताया था कि इस तरह की चीजें द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित करती हैं। क्यों? क्योंकि आप जरा सोचिए कि यदि हम 1, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहे हैं, जब हम 1, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहे हैं उसमें दो संख्याएं आपने ली, कोई भी दो संख्याएं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर ए बी में कोई ना कोई संख्या छोटी होगी। जब कोई ना कोई संख्या छोटी होगी तो द्विआधारी संक्रिया का काम कर रही है वो, इसका मतलब जो आप इस नियम के आधार पर हम कह रहे हैं कि द्विआधारी संक्रिया का काम कर रही है। ठीक है, उदाहरण नंबर 33 जब अपन ने पढ़ा था तब सेम चीज अपन ने यही पढ़ी थी, और अगर आपके पास किताब है तो वहां आप देखना उदाहरण नंबर 33 के नीचे टिप्पणी में आपको सारणी भी दी है, तो उसी प्रकार से हम इसकी सारणी भी बना देंगे। चलिए अब सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास संक्रिया दे दी है ये, और इसके लिए आपको सारणी बनानी है। ठीक है, तो संक्रिया और ये अपन को क्या 1, 2, 3, 4, 5 और ए बी आपका 1, 2, 3, 4, 5 है और बी भी 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर भी 1, 2, 3 और ये 4, 5, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके चलें। कैसे कि देखिए, अगर हम बात करें 1, 1 की, 1, 1 में कौन छोटा है, कोई नहीं है भाई, दोनों बराबर है तो 1 लेंगे। अब अगर हम 1, 2 की बात करते हैं छोटा कौन है, 1 है। इसी प्रकार आप देखना 1, 3 की बात करें तो 1 आएगा यहाँ पर, 1, 4 की बात कर रहे हैं तो 1 आएगा और 1, 5 की बात कर रहे हैं तो भी 1 आएगा। तो इसी प्रकार भरना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए मेरी बात। अगर हम बात करते हैं 2, 1 की तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2, 2 में बात करें तो 2 आएगा, 2, 3 में बात कर रहे हैं तो भी 2, इसी प्रकार 2, 4 के लिए भी, 2, 5 के लिए भी
क्लियर है, बन जाएगा, भर लोगे आप, बहुत ही आसान है। तीन एक की बात कर लो तो यहाँ एक एक आएगा, यहाँ पर दो आएगा, फिर यहाँ तीन आएगा, यहाँ तीन, यहाँ तीन, ठीक है ना। चार की बात कर ली तो यहाँ एक दो तीन चार और चार, और पांच की अगर हम बात करते हैं तो ये एक दो तीन चार पांच। तो इस प्रकार से आपको सारणी भरनी थी, बहुत ही आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं तो समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी आपको ये दी रखी है द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा आपको 1 2 3 ये आपको तीन सवाल जो दिए उनको हल करना है। चल देख लीजिए, पहला सवाल कह रहा है 2*3*4। तो अब देखिए 2 और 3 में क्या संबंध हो रहा, तो अगर हम 2 और 3 की बात करें तो 2*3 क्या मिल रहा, 2*3 1 हो रहा, तो 2*3 की जगह आप क्या रखोगे 1 रख दोगे, तो 1*4। अब जरा चेक कर लो 1 और 4 में क्या रिलेशन हो रहा, तो 1 4 में आप देख रहे हैं 1 4 में क्या रिलेशन हो रहा, 1 4 में 1 आ रहा, तो यहाँ से आपको बराबर में क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, बस इतना सरल सवाल है, कुछ नहीं है। अब देखो सवाल में है कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ बात करो 3*4 की, तो कोष्टक में तो 3 4 के लिए पहले देखोगे तो ये 3 और ये 4, तो 3 4 के लिए क्या बन रहा, 3 4 के लिए 1 बन रहा, तो यहाँ पर आएगा 1, ये स्टार ये 2। अब 2 1 के लिए अगर हम बात करें तो 2 1 के लिए क्या बन रहा था, 2 1 के लिए आप देख रहे हैं 2 1 के लिए भी 1 बन रहा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सवाल, इससे सरल सवाल क्या हो सकता है। आगे कह रहा है क्या क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय के लिए क्या जरूरी है कि A*B=B*A हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आप रैंडमली कुछ भी आप देखो, मतलब अगर हम 3 4 की बात करते हैं तो 3 4 कितना है, 3 4 1 दे रहा था, और अगर हम 4 3 की बात करें तो 4 3 कितना है, 4 3 भी 1 है, ठीक है ना, 4 3 भी 1 है। तो रैंडमली आप चेक कीजिए क्या कुछ ऐसा है जो बराबर नहीं आ रहा हो, तो आप देखेंगे कि बराबर आ रहा है सब में, यानी A*B=B*A आ रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है और आपकी क्या कहते हैं क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है, क्योंकि A*B=B*A। आप सीधे सीधे ये लिख देना कि निम्नलिखित सारणी में A*B=B*A है, अतः क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए कितना आ रहा, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्या दिया था, ये दे रहा था 2*3, तो 2 और 3 की बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं 2 3 की, तो 2 3 में कितना हो रहा था, ये 2 और ये 3, तो 2 3 में क्या बन रहा, 2 3 में 1 बन रहा, तो यहाँ से 1, ये स्टार। और 4 5 की बात कर लो, तो 4 5 में क्या रहा था, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 5 में क्या निकल रहा, 4 5 में 1 निकल रहा, ठीक है, तो 1 हो गया। और 1 और 1 कितना हो रहा था भाई, 1 और 1 तो 1 हो रहा था, तो बराबर 1 है, तो एक ही आ रहा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 कह रहा है आपको, कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया, अब *- दिया है, A*-B=A तथा B का HCF द्वारा परिभाषित है, ये कह रहा क्या संक्रिया *- उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 1 2 3 4 5 एक समुच्चय दे दिया और A*B यानी A और B में यदि हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो ऑपरेशन A और B का HCF को निरूपित कर रहा, ठीक है, परिभाषित कर रहा, और आपको ये बताना जो ये सारणी बन के आएगी यहां से क्या वो क्वेश्चन नंबर 4 के समान है, तो इसी को देखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारणी आपको बना ली है, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन किसमें हो रहा, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 के लिए, ठीक है। तो ए भी 1 2 3 4 5 हो, बी भी 1 2 3 4 5, अब इनके बीच में HCF लाना है, तो HCF कैसे कि एक और एक का HCF कितना होगा, 1 होगा, एक और दो के लिए HCF कितना होगा, 1 होगा, HCF मासा, एक और तीन का HCF 1, इसी प्रकार एक और चार के लिए एक ऑफ HCF होगा, और एक और पांच का HCF यानी मासा कितना होगा, 1 होगा। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करें 2 की, तो 2 और 1 में अगर हम मासा निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 और 2 का मासा 2 आता है, 2 और 3 के लिए मासा कितना आएगा, 1 आएगा। बेसिकली मासा का मतलब आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूं, मासा का मतलब यह होता है कि कौन सी चीज उसमें कॉमन है, ठीक है, जो चीज कॉमन होगी उसको लेना है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 आएगा मासा, 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपको भरना है, तो आई थिंक बात क्लियर रही होगी, ठीक है। 3 और 1 के लिए अगर हम बात करें तो 1 आएगा, 3 2 में 1 आएगा, 3 3 में कॉमन क्या है, 3 पूरा, तो 3 आएगा, 3 4 के लिए 1 आएगा, 3 5 में भी 1 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से भरना है। 4 1 की बात कर लो तो 4 1 में 1 आएगा, 4 2 में 2 कॉमन होता है तो 2 आएगा, 4 3 में 1 आएगा,
आएगा, चार चार में चार आएगा और चार पांच के लिए भी एक आएगा। पांच की बात करते हैं तो पांच एक में एक, पांच दो के लिए एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, और पांच पांच में पांच आएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं ये सारणी निकल के आ रही है, ये पूरी की पूरी सारणी आपके क्वेश्चन नंबर चार की तरह। तो इस प्रकार से करना था, आई होप सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं रही। क्वेश्चन नंबर छह कह रहा है कि मान लीजिए एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है सवाल। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। पहला कह रहा है आपको पांच और सात, तो पांच और सात का हम स्टार कर रहे हैं, तो स्टार का मतलब क्या था, एलसीएम। तो आपको पता है पांच और सात का आपका यहां से एलसीएम कितना आना है, यहां से एलसीएम आएगा आपका 35, एलसीएम में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आगे कोमा लगाता तो क्या था 20 और 16, तो 20 16 का एलसीएम कितना आता है, 80 आता है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और एलसीएम में तो 12 की क्लास है, तो एलसीएम में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो 20 और 16 का एलसीएम 80 हो जाएगा। ठीक है, आपको एलसीएम करना आता है, कैसे निकालते हैं 20 और 16, और इस प्रकार से आप फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या संक्रिया क्रम विन में है, तो क्रम विन में रहती है। अगर हम पांच और सात को देखें तो अगर हम पांच सात का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 35, या अगर हम सात पांच का एलसीएम निकालते हैं तो भी कितना आएगा 35। तो जो क्रिया होगी एलसीएम वाली संक्रिया होगी वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तीसरा कह रहा है क्या सहचर है, स्टार सहचर होगा, बिल्कुल होगा। यदि हम तीन के बीच में एलसीएम निकालते हैं और किसी भी क्रम में निकालेंगे तो उसका जो एलसीएम आएगा वो समान आएगा। कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए अगर हम दो तीन और छह का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, इसको हम किसी भी क्रम में निकालें, तो अगर हम इसको किसी भी क्रम में निकालें एलसीएम हमेशा छह आएगा। ठीक है, दो तीन छह का एलसीएम छह आएगा। अब आप चाहे पहले दो तीन का एलसीएम निकाल लो और उसके बाद छह का निकाल लो, चाहे पर आप ऐसा करिए कि दो तीन छह का निकाल लो, ऐसे निकाल लो, तो जो एलसीएम की क्रिया होगी, संक्रिया होगी, ऑपरेशन होगा, वो सहचर का पालन करेगा। यानी एलसीएम की जो क्रिया होगी वो क्रम विनिमय का भी पालन करेगा और सहचर का भी पालन करेगा। चौथा कह रहा है कि एन में स्टार का तस्मक अवयव ज्ञात कीजिए, जो तस्मक की बात कर रहा है। तो तस्मक अवयव क्या होता है, तस्मक अवयव होता है कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, ये होता है। अब यहां पर आप कौन सी संख्या लो ताकि एलसीएम निकालने पर हमेशा वही संख्या आए, ठीक है, तो यहां पर एक है, e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू एक है, क्योंकि आप किसी भी संख्या का एक के साथ अगर एलसीएम निकालोगे तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है मेरी बात? अगर किसी भी संख्या का एक के साथ एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा आपको वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे आप 5*1 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 5*1 का मतलब है कि 5 और 1 का आप एलसीएम करा रहे हो, तो 5 और 1 का एलसीएम कराने पर क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि एन में तस्मक अवयव उपस्थित है और वह तस्मक अवयव एक है। ठीक है, तस्मक अवयव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब पांचवा कह रहा था कि एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है कि यदि ए स्टार बी कर रहे तो ई मिलना चाहिए, चाहे फिर हम बी स्टार ए कर लें, ये कहलाता है व्युत्क्रमणीय। तो यहां पर व्युत्क्रमणीय के लिए ए और बी की वैल्यू 1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ e की वैल्यू, e का मान कितना था, e का मान 1 था, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको e की वैल्यू क्या आ रही, e की वैल्यू 1 आ रही यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि a और b का मान जब आप 1 रखोगे, 1*1 करोगे तभी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, कब, जब आप a का मान 1 रखो और b का मान 1 रखो। ठीक है, तो यहाँ पर n के कौन से अवयव के लिए कह रहा था, तो n के लिए आपको 1 वैल्यू उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, और मैं ये कह सकता हूँ ये सवाल आपकी परीक्षा ले सकता है, उन सवालों में से एक है। तो जरूरी ये है कि आपको द्विआधारी संक्रिया क्या होती है ये पता हो, वरना आप कंफ्यूज कर दोगे और कह दोगे कि सर एलसीएम की बात कर रहा है, आपने बताया था कि क्रम विनिमय सहचर है, ऊपर द्विआधारी संक्रिया भी हो रही थी, सब कुछ क्लियर है, तो भाई द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन यह सवाल द्विआधारी संक्रिया नहीं बता रहा, नहीं परिभाषित हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको समझ रहा है। यदि आपको द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा ध्यान रहेगी तो आपको क्लियर रहेगा। कैसे, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है कि यदि किसी समुच्चय में आप ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, और ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए, यह कहलाती है द्विआधारी संक्रिया। तो अगर हम यहां पर समुच्चय की बात करें तो अगर हम मान लीजिए 2*3 करते हैं, तो 2*3 का मतलब क्या है,
कि दो और तीन का एलसीएम, दो और तीन का एलसीएम और दो और तीन का एलसीएम कितना आएगा, छह आएगा। क्या छह इस समुच्चय में है? छह इस समुच्चय में नहीं है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि यह जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो इस बात को ध्यान रखना। तो जरूरी यह है कि छोटे छोटे जो नोट्स में बताता हूं, जो आपको पॉइंट बताता हूं, उनको आपको ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मान लीजिए कि एन में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एच सी एफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम में है, क्या स्टार साहचर है, क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अवयव है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि कह रहा है कि क्रम विनिमय की बात कर रहा। अब क्रम विनिमय क्या होता है, आपको पता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि यदि आप ए और बी में एच सी एफ कराओ या बी और ए में एच सी एफ कराओ, एक ही बात रहेगी। मतलब कहने का क्या मतलब कि अगर आप 16 20 का एच सी एफ निकालो या 20 16 का एच सी एफ निकालो, भाई आएगा तो आपका 4 ना, ठीक है, दोनों का एच सी एफ मासा आएगा 4, तो यहां पर क्रम विनिमय का पालन करेगा। सेम प्रोसेस अगर हम साहचर्य की बात कर लेते हैं, अगर हम तीन ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो अगर हम ए स्टार बी स्टार सी करें, मतलब ए बी और फिर सी करें, चाहे आप ए स्टार बी स्टार सी करो, ठीक है, तो अब दोनों ही कंडीशन में ए बी सी का जो एच सी एफ निकलेगा वो एक ही निकलेगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि भाई क्रम विनिमय भी हो रहा है और साहचर्य भी हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? और दर्शाने में भी आसान है। अब कह रहा है क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव है। तो तत्समक आपको ध्यान रखना है, तत्समक क्या होता है आपका, तत्समक ये होता है कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, ये मिलना चाहिए, ये कहलाता है आपका तत्समक। तो अब यहां पर कोई भी ई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आप एच सी एफ कराने पर, मासा कराने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। क्या समझे मेरी बात? कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके साथ मासा कराने पर वो आपकी ए प्राप्त हो जाए। जैसे कि मान लो अगर आप एक के साथ भी अगर किसी संख्या का एक के साथ भी अगर मासा करा रहे, एच सी एफ करा रहे, तो एक मिलेगा, वो संख्या नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे पांच और एक का अगर आप मासा कराते हो एच सी एफ कराते हो, तो जो आपको एच सी एफ मिलेगा वो एक मिलेगा, ना कि पांच। और होता क्या है तत्समक में कि ए मिलना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो यहां पर आपका तत्समक का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, इसको इसी प्रकार से करना था। क्लियर है बात? अगर लिखने की बात करें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि एन में द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए क्या दिया, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एच सी एफ। तो अगर हम क्रम विनिमय की बात करते तो लासा क्या कि ए स्टार बी यानी ए और बी का एच सी एफ, और आर एच एस की बात करें तो बी स्टार ए यानी बी और ए का एच सी एफ। तो दोनों ही सूरतों में चीज बराबर होगी, दोनों चीजें इक्वल होंगी, तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि उक्त द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय का पालन करती है। और अगर हम साहचर्य की बात करते हैं तो हमने लासा ले ली, एलएचएस ले लिया ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या, ए और बी का मासा, और स्टार सी, फिर हम तीनों का मासा ले रहे हैं, ए बी सी का मासा। इसी प्रकार हम आरएचएस की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पर क्या होगा, बी और सी के अगर हम पहले करते हैं तो बी तथा सी का मासा, और फिर ए के साथ करते हैं तो ए बी सी का मासा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि भाई दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही सूरतों में, दोनों चीजें आपकी जो है लासा और एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस दोनों ही चीजें बराबर हो रही हैं, ठीक है, एलएचएस की जगह वो बार बार लासा निकल रहा है, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों ही आपके बराबर हो रहे हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया में जो साहचर्य नियम है वो पालन कर रहा है। क्लियर है बात? अब अगर इसी में हम तत्समक की बात करते, तत्समक मैंने जैसे ऊपर बताया कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए होना चाहिए, लेकिन आपका एन में कोई भी ऐसा तत्समक अवयव नहीं होगा जो मासा के लिए, लासा के लिए हो जाता, एच सी एफ के लिए नहीं होगा, एलसीएम के लिए पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक होता है, लेकिन एच सी एफ के लिए नहीं होता है। तो अतः तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है या विद्यमान नहीं है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मान लीजिए कि परिमित संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, तो इसके बाद आपको चार क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए, और कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर आप कि ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है। तो आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों से अब क्रम विनिमय और साहचर्य में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, बाकी का लिखने का काम आपका रहेगा। तो जैसे अगर हम पहले की बात करें तो पहला क्या कह रहा है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो यदि हम यहाँ पर क्रम विनिमय की बात करते तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे को घटाना है, तो अगर हम बी स्टार ए निकालते तो बी स्टार ए क्या निकलता, बी माइनस ए,
और जब हम बी स्टार ए देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय का यहाँ पालन नहीं हो रहा, पहली बात। अगर हम पहले में साहचर्य की बात करते हैं, साहचर्य क्या है, साहचर्य होता है आपका ए स्टार बी और फिर स्टार सी, ये होता है। तो अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये क्या कि ए माइनस बी और फिर स्टार सी, तो क्या कर रहे थे, दोनों को घटाना था, तो ए माइनस बी माइनस सी, ये हो गया। अब हम आरजेएस की बात करते हैं यानी ए स्टार और फिर बी स्टार सी, तो अगर हम इसमें लगाए यानी ए स्टार और फिर बी माइनस सी, अब यहाँ दोनों को घटा दो यानी ए माइनस फिर बी माइनस सी, तो क्या निकल गया, यह आएगा ए माइनस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या कि पहले में ना क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य का पालन कर रहा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब अगर हम बात करें दूसरे की, ठीक है, लिखने का काम आपका है, मैं नीचे आपको बाद में लिख के पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्रम विनिमय और साहचर्य में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो रहा कि पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग जोड़ देना। तो अगर हम बी स्टार ए निकालें, बी स्टार ए निकालें तो क्या निकलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों आप देख रहे हैं बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ क्रम विनिमय का तो पालन हो रहा, लेकिन साहचर्य का पालन होगा क्या, जरा देख लो। तो अगर हम साहचर्य की बात कर लेते हैं तो साहचर्य क्या कि ए स्टार बी और, तो क्या करना है, पहले दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्टार सी। अब यहाँ लगाते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये आपका पहले का वर्ग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका टोटल वर्ग और प्लस सी का होल स्क्वायर, ये करना है, पहले का वर्ग और जो दूसरा है उसको जोड़ देना है, यही करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप खोलते हो तो निकल के आएगा आपका ए की घात चार, घात चार प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये निकल के आना है। और जब हम आरजेएस की बात कर लेते हैं तो अगर आरजेएस लेते हैं ए स्टार और फिर बी स्टार सी, तो जब यहाँ आप लगते हैं क्या हो जाएगा आपका, और ये निकल के आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करोगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है, यानी ए का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से आप खोलते हो तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी की घात चार। तो यहां से आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही, तो जब दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही हैं इसका मतलब क्या कि साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब जो दूसरा है वो क्रम विनिमय का तो पालन कर रहा लेकिन साहचर्य का पालन नहीं कर रहा। क्लियर है मेरी बात। तो यदि हम तीसरे में क्रम विनिमय को देखें तो दिया आपको ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, इसका मतलब क्या कि पहले को आपको रखना है और दूसरे में दोनों को गुणा करके जोड़ देना है, यही हो रहा। तो अगर हम बी स्टार ए निकालते तो बी स्टार ए क्या होता, पहले को रखते और फिर दोनों का गुणा करते और जोड़ देते, ये हो रहा। तो आप यहाँ से देखेंगे दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय का तो पालन कर नहीं रहा, क्रम विनिमय का पालन नहीं कर। अब हम देख लेते हैं साहचर्य के लिए, तो अगर हम बात करते हैं साहचर्य के लिए तो साहचर्य में क्या कि ए स्टार बी और स्टार सी, ये करते, ठीक है। अब क्या कि यहाँ आएगा आपका ए और ए प्लस ए बी और स्टार सी, ठीक है ना, मतलब पहला रखना था और दोनों का गुणा करके जोड़ देना था। अब यहाँ पर क्या होगा, पहला रखोगे यानी ए प्लस ए बी और जोड़ दोगे, गुणा करके जोड़ दोगे ए प्लस ए बी और सी। अब इसको हल करते तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये निकलना है। अब अगर हम बात करें आरएचएस की, साहचर की बात कर रहे थे तो ए स्टार और फिर बी स्टार सी, ठीक। अब इसमें क्या आएगा, ये आएगा आपका ए पहला रखोगे और फिर दूसरे में अभी पहले बी सी में लगाओगे तो ये निकलेगा आपका बी प्लस बी सी, ठीक है। फिर लगाते हैं यानी ए प्लस ए और बी प्लस बी सी, ये करना था, क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये निकलना। तो यहां से आपने ये देखा कि LHS और RHS दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब साहचर्य का भी यहाँ पर पालन नहीं होगा, तो तीसरे में ना क्रम विनिमय लगेगा और ना ही साहचर्य। चौथे की अगर बात करें तो दिया है A star B बराबर आपको A minus B का whole square, तो अगर हम B star A निकालते, क्रम विनिमय की बात कर रहे हैं, B star A निकालते तो क्या निकलता है, ये निकलता है आपका B minus A का whole square। और अगर हम पहले वाले को एक्सपेंड करें तो क्या निकलेगा, पहले वाले को खोलने पर निकलता है आपका, ये निकलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और अगर हम दूसरे वाले को खोले तो यहाँ से क्या निकलना है, ये निकलना है आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू बी ए। तो एक अगर आप ये गौर करो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें बराबर हो रही हैं, तो जब बराबर हो रही हैं तो पहले वाले में यहाँ पर चौथे में क्रम विनिमय का तो पालन होगा, ठीक है, चौथे वाले में क्रम विनिमय का पालन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे में, अगर हम साहचर्य की बात करें तो साहचर्य में क्या कि लगा रहे हैं आप ए स्टार बी और स्टार सी, ठीक है, हो क्या रहा था, दोनों को घटा के वर्ग करना था,
तो ए स्टार बी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और स्टार सी। अब यहां पर भी यही कर रहे हैं कि दोनों को घटाएंगे और बर कर देंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब चाहे तो आप इसको खोल सकते हो, ना भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बना रहे हैं तो पर्याप्त है, ठीक है, खोलने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम साइचर में आरएचएस की बात करते हैं तो क्या कि ए स्टार और फिर बी स्टार सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले बी सी में लगाओगे तो ये ए स्टार, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और क्या करना है आप दोनों को घटा के, दोनों को घटा के वर्ग कर देना, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस और यहाँ बी माइनस सी का वर्ग और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कि साहचर भी पालन नहीं हो रहा। तो यहाँ से आपको क्रम विन्यय तो पालन हो रहा था लेकिन साहचर का पालन नहीं हो रहा था, ठीक है। पांचवें में अगर हम क्रम विन्यय की बात करते हैं तो ए स्टार बी दिया है आपको ए की पावर बी और बटे चार, मतलब क्या कि पहला आपका आधार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा घात, यानी पहला आपका बेस है और दूसरा आपको पावर चढ़ा देनी है और बटे चार कर देना। तो अगर हम यहाँ बी स्टार ए लगाते तो बी स्टार ए का मतलब क्या कि बी की घात ए और बटे चार, और ये दोनों ही चीजें बराबर नहीं है तो क्रम विन्यय का पालन नहीं होगा। अब अगर हम साहचर्य की बात कर लेते, ठीक है, तो अब साहचर्य यहाँ नीचे देख लेते हैं, साहचर्य की बात करते तो साहचर्य क्या कि ए स्टार बी और स्टार सी, तो पहले ए बी में लगाओगे तो क्या ए की घात बी और बटे चार और फिर स्टार सी, ठीक है ना। तो यही हो रहा था, मतलब अब अभी यहां पर क्या होगा कि पहले को आधार रखना, यानी ये टोटल आधार हो जाएगा और इस पे घात चार चार घात चढ़ा दोगे और बटे चार कर दोगे, पहला आधार दूसरा घात और बटे चार, ये करना था। तो ये पूरा का पूरा आपका रहेगा ए की घात बी बटे चार और इस पर घात चढ़ेगी सी और आएगा बटे चार, इतना आना, ठीक है। अब हम आरएचएस की बात करते तो आरएचएस क्या कि ए स्टार और फिर बी स्टार सी, ये ठीक है। तो अब यहाँ पहले बी सी में लगाओगे यानी ए स्टार बी सी बटे चार, ठीक। अब में लगाओ क्या कि पहले को आधार रखना दूसरे को घात और बटे चार, तो ये ए आएगा आधार और ये टोटल जाएगा घात में बी की पावर सी और बटे चार और बटे चार। यहाँ आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो चौथे पांचवें वाले के लिए साहचर्य का पालन नहीं हो रहा, तो न क्रम विन्यय का पालन हो रहा था पांचवें में, न साहचर्य का पालन हो रहा था, ठीक है। अब यदि छठवें में हम क्रम विन्यय की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्या हो रही है कि ए स्टार बी बराबर आप हो रहा है ए बी स्क्वायर, मतलब क्या कि दूसरे वाले का वर्ग करके पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देना, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले को गुणा। तो अगर हम बी स्टार ए निकाल तो क्या बनेगा, पहला वाला रखोगे और दूसरे वाले का वर्ग कर दोगे, यही हो रहा था, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, जब दोनों बराबर नहीं हो रहे तो क्रम विन्यय का पालन नहीं होगा। अब छठवें वाले में अपन साहचर की बात कर लेते हैं, तो साहचर के लिए लगाते हैं तो क्या कि ए स्टार बी और स्टार सी। अब हम ए बी में लगाएंगे तो जब ए बी में लगाएंगे तो क्या निकलेगा, पहले निकलेगा ए बी स्क्वायर, ठीक है, और स्टार सी। हो क्या रहा था एक्चुअली में कि पहले वाले को रखना था, दूसरे वाले का बर करना था और दोनों का गुणा हो रहा था, तो पहले वाले को रखेंगे अपन ए बी स्क्वायर और दूसरे वाले का अपन बर कर देंगे, ये कर रहे थे, ठीक है। अब हम आरएचएस की बात कर लेते हैं तो ए स्टार, तो पहले आप बी सी में तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार और फिर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब लगा दो पूरे में तो क्या कि दूसरे वाले का बर कर देना, तो ये ए और फिर बी सी स्क्वायर का क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका ए बी स्क्वायर और सी की घात चार। तो यहां से आप देख लीजिए कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर नहीं हुए, जब दोनों बराबर नहीं हुए तो साहचर्य का पालन भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या देखा छठवें वाले में कि क्रम विन्यय का भी पालन नहीं हो रहा था और साहचर्य का भी पालन नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रश्न 9 में दी गई संख्याओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। तो 9 में जो आपको 6 सवाल दिए थे उसमें आपको अब तत्समक ज्ञात करना है, तत्समक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा ही बताना है। तो आपको तत्समक ध्यान रखना है, तत्समक क्या होता है कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, ये होना चाहिए, मतलब किसी भी ई में आप ऑपरेशन कराए तो ऑपरेशन कराने के बाद वही एलिमेंट जो शुरू में आपका था जिससे आप ऑपरेशन करा रहे थे वही मिलना चाहिए। जैसे कि योग में आपको पता है कि अगर हम किसी संख्या में जीरो जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो जीरो एक ऐसा योगात्मक अवयव है या एलिमेंट है जिसके साथ किसी भी संख्या को जोड़ने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर योगात्मक तत्समक अवयव ई बराबर जीरो होता है। और अगर हम गुणेम की बात करें तो गुणेम में अगर किसी भी संख्या में एक का गुणा कर दें तो हमेशा आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये कहलाता है तत्समक, मतलब किसी भी ई के साथ ऑपरेशन कराने पर वही संख्या यदि आपको प्राप्त हो रही है तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी यानी तत्समक।
क्लियर है बात, यही आपका जैसे ई बराबर ए गुणात्मक क्लियर होता है। अब यहाँ करना किस प्रकार से ये समझेंगे, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, आपके पास दो चीजें रहेंगी कि ए स्टार ई बराबर ए मिल जाए और ई स्टार ए बराबर भी ए मिल जाए। यदि दोनों चीजें बराबर हो गई तो तत्समक अवयव है, और अगर बराबर नहीं हुई तो तत्समक अवयव नहीं है। क्लियर बात, दो चीजों में लगाएंगे, बहुत ही आसान सवाल रहेगा, समझिए कैसे करना है। अब लगाते हैं ए स्टार ई, तो ए स्टार ई लगा दो, क्या रहा दोनों को घटाना था, तो ए माइनस ई, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए ई के, ए के बराबर, ये बराबर होना चाहिए किसके, ए के बराबर। तो यहां से आप देख रहे हो घटाने पर हमें ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, ई की वैल्यू मिलेगी हमें जीरो। अब अगर हम लगा दें ई स्टार ए, तो ई स्टार ए, ई स्टार ए कितना मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तो ई स्टार ए का मतलब क्या, दोनों घटाना था, तो ई माइनस ए बराबर ए, जब ए को हम पक्षांतर करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा टू ए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, आ रही, मैंने क्या कहा था कि दोनों में ई की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो यहां पर आप कह देंगे कि चूंकि ई का मान अद्वितीय नहीं है, ई का मान अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय अद्वितीय यानी यूनिक नहीं है, ऐसा नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है या तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। क्लियर है मेरी बात, ऐसे करना बहुत ही आसान सवाल लगा होगा आपको, क्लियर है बात। अब सेकंड पे चलते हैं, अगर हम दूसरे की बात करें तो यह है आपको ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए स्टार तत्समक क्या है आपका, ये ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार, मतलब क्या कि कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी संक्रिया हो, लेकिन जो आए वो वही चीज आए। कहने का मतलब यदि आप दो में ऑपरेशन कराओ तो जो रिजल्ट आएगा वो दो आना चाहिए, चार में ऑपरेशन कराओ तो रिजल्ट आए वो चार ही आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब ए स्टार ई करा रहा है तो कुछ और आ गया, ए ही आना चाहिए। अब यहां पर अगर आप गौर करो तो एक पैच है, अगर आप मैंने पहले बताया वैसे करोगे तो आप तो तत्समक दिखा दोगे, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इस सवाल में मान लीजिए आपने ए स्टार ई लगाया, तो ए स्टार ई लगाने पर क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और जो कि किसके बराबर होगा, होना चाहिए ए के बराबर होना चाहिए। अगर मान लो आप ई का मान जीरो रखते, मान लिया ई का मान आपने जीरो रखा, तो यहां आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर, क्योंकि योग हो रहा है, योग हो रहा है तो डेफिनेटली हम जीरो की ही बात करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस जीरो बराबर ए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर ए हो रहा है, जो बराबर नहीं होता है। अब बराबर नहीं होता है इसका मतलब क्या, यहाँ पर तत्समक विद्यमान नहीं होगा। मेरी बात क्लियर हुई, कुछ भी आप सोच लो, मान लो अब यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि ए का मान अपन ने माइनस दो मान लिया, ए का मान अगर आपने माइनस दो माना, तो ए स्टार ई लगाओ, ए स्टार ई का मतलब क्या कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम माइनस दो का वर्ग स्क्वायर बराबर ए करें तो ये कितना होगा, फोर प्लस ई स्क्वायर बराबर, और ए का मान कितना माना था, माइनस दो। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही चीजें डेफिनेटली बराबर नहीं होंगी, जब बराबर नहीं होंगी तो तत्समक उपस्थित नहीं है, यहाँ पर जो दूसरे में तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करते हैं, तीन में आपको कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ठीक है, तो वैसे ही लगा रहे हैं ए और ई के लिए लगाए, अगर हम ए स्टार ई, तो ए स्टार ई क्या कहलाएगा, ए प्लस ए ई, ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए ए के बराबर। अब यहाँ से देखो ए और ये ए तो कट जाएगा, तो यहाँ से ए ई बराबर जीरो, यानी ई बराबर कितना निकला आपका, जीरो। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यानी ई स्टार ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये भी ए के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लगा दो तो क्या आएगा, ई प्लस ई ए बराबर ए। अब यहाँ से ई कॉमन ले लेते हो तो वन माइनस ए बराबर ए, तो E की वैल्यू क्या मिली, E की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस ए। तो यहां से देख रहे हो दोनों ही वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इस कंडीशन में E की मान जो है वो अद्वितीय नहीं है। आप क्या कहोगे कि E का मान अद्वितीय नहीं है, इसलिए तत्समक अवयव उपस्थित या विद्यमान नहीं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चलिए इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखें तो आपको ऐसे ही करना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस ई, यहाँ b की जगह e ले लेते हैं, ठीक है, तत्समक अवयव e ले लेते हैं, तो a माइनस ई का होल स्क्वायर किसके बराबर रहना चाहिए, ये e के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको e के बराबर देखने की कोशिश करें, और हमने मान लिया माना e बराबर जीरो है, तो अगर हम यहाँ रखते हैं तो a माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर a, तो ये देख रहे हैं आप ए स्क्वायर और ए जो कि बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। या फिर आप ये देखें कि ए का मान आप कुछ रखें, माना ए बराबर माइनस दो रखा,
ठीक है। तो हल करने के बाद माइनस दो ही आना चाहिए, ए का मान अगर आपने माइनस दो रखा तो इसका मतलब क्या कि ए माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर ए आना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो, तो माइनस दो माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर माइनस दो, और जब यह इसको हम हल करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइनस दो नहीं आएगा, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका फोर प्लस फोर ई और प्लस ई स्क्वायर माइनस दो, और ये माइनस दो के बराबर किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो तत्समक अवयव है वो विद्यमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है आपको कि ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन फोर, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, तो लगाइए, तो ये ए स्टार ई बराबर कितना, ए स्टार ई बराबर आपको ए मिलना चाहिए, तो ए स्टार ई में लगा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा आपका ए ई अपॉन फोर बराबर ए। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो ए से आपका ए कटेगा तो ई बराबर कितना मिलेगा, चार, तो यहाँ से ई बराबर चार मिल गया। और अगर हम दूसरा पार्ट लगाएं यानी ई स्टार ए लगाएं तो अभी कितना मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तो यहाँ लगा दो तो ये कितना आएगा, ये आएगा ई ए अपॉन फोर बराबर ए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए से ए कट रहा, तो ई का मतलब कितना गया, चार, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में ई का मान बराबर आ रहा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि ई का मान अद्वितीय है, अतः तत्समक अवयव उपस्थित है और तत्समक अवयव चार है, ठीक है। छठवें क्वेश्चन की बात कर लीजिए, छठवें क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, तो यदि हम ए स्टार ई लेते हैं, ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, तो अब यहाँ लगा दो वैल्यू, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, ए आएगा ए ई स्क्वायर बराबर ए, ए से आप ए काट दोगे तो ये कितना होगा, ई स्क्वायर बराबर वन बचेगा, तो आप वर्गमूल ले लो तो अंडर रूट एक आएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू प्लस माइनस एक आएगी, मतलब ई का मान दो आ गए, ई के जब दो मान आ गए तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हो कि ई के मान अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है, तो इस स्थिति में तत्समक अवयव उपस्थित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात कर ली जाए तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर एन क्रॉस एन है तथा ए में ए बी स्टार सी डी बराबर ए प्लस सी बी प्लस डी, यानी क्या हो रहा है, यहाँ कर रहे हैं ए और सी को आप जोड़ रहे हो, बी और डी को आप जोड़ रहे हो, इस प्रकार से कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम में विनिमय है तथा सहचर है, ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्रम विनिमय निकालना है, सहचर निकालना है और आपको तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहली बात यहाँ पर गौर कीजिए, क्रम विनिमय और सहचर हो जाएगा कैसे, जरा सोचो, अगर ए बी सी डी कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस सी और बी प्लस डी मिल रहा है, तो अगर हम सी डी स्टार ए बी करें, सी डी स्टार ए बी करें तो हमें क्या मिलेगा, सी प्लस ए और डी प्लस बी, सी प्लस ए और डी प्लस बी। अब सी प्लस ए और डी प्लस बी भाई इसी के बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा, जरा ध्यान से समझो, ठीक है। तो क्रम विनिमय का पालन कर रहा, इसी प्रकार सहचर के लिए दिखा दोगे आप, तत्समक का पालन नहीं करेगा, तत्समक का पालन किस प्रकार से नहीं करेगा वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और क्रम विनिमय और सहचर लगा के देखो बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं सवाल किस प्रकार से आपको करना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि दिया है इसमें इस तरह दिया है आपको कि ए बराबर एन क्रॉस एन, अब एन क्रॉस एन का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्या है उसमें ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बीच में ऑपरेशन करा रहा है। मैं द्विआधी आधारित संक्रिया स्टार के लिए आपको इस प्रकार से दे रखा है कि ए बी स्टार सी डी बराबर क्या हो रहा है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। आपको ये पता ही है कि ए के साथ आप सी जोड़ रहे हो और बी के साथ आप डी जोड़ रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से द्वारा परिभाषित है। तो अगर हम क्रम विनिमय की बात करते हैं तो हमने मान लिया ए बी सी डी जो है वो एन में है, कैपिटल एन में, ठीक है। तो हमने एल एच एस ले लिया, एल एच एस क्या कि ए बी स्टार सी डी, अब आपको ये दे रखा है कि आपका हो जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी। अब आर एच एस की बात कर लेते हैं तो सी डी स्टार ए भी निकाल ले तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप जोड़ोगे कि सी और ए को जोड़ दोगे और डी और बी को जोड़ दोगे, तो आपने जोड़ दिया, तो अब सी ए को हम ए सी लिख सकते हैं और डी बी को हम बी डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गई बात कि दोनों बराबर हो रहे हैं, तो जब दोनों बराबर हो रहे हैं इसलिए ए बी स्टार सी डी बराबर आपका सी डी स्टार ए भी है, तो द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय का पालन कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है, बहुत ही आसान था। इसी प्रकार आप सहचर को दिखा दोगे, तो सहचर के लिए क्या कि माना ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। अब एल एच एस के लिए क्या करेंगे कि एल एच एस में ए बी स्टार सी डी और फिर स्टार ई एफ, तो आप पहले इस वाले पार्ट में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पहले ए सी और बी डी को जोड़ दियो, जब ए सी और बी डी को जोड़ते तो कितना आ जाएगा आपका, ए सी और प्लस बी डी, ठीक है, ए सी प्लस बी डी और स्टार ई एफ। अभी पूरे में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस
सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार आरएचएस दिखा दोगे, तो जब आप आरएचएस दिखा रहे हो तो आरएचएस में क्या कि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ये लोगे तो पहले आप सी डी और ई एफ में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा सी प्लस ई और डी प्लस एफ, और ये ए बी स्टार चल रहा था, अब पूरे में लगाओगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में जो एल एच एस और आर एच एस है वो बराबर निकल के आ रहा। जब ऐसा है तो देख रहे हो कि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ बराबर ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, तो अतः द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती। तो यहाँ से क्रम विनिमय और साहचर्य नियम दोनों क्लियर हो गए, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब जरा देख लेते हैं तत्समक अवयव किस प्रकार करना। तो तत्समक अवयव आपको ध्यान रखना है कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ई, ये होता है आपका, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो अब हमने मान लिया कि माना ई जो है वो ई बराबर ई वन ई टू है, मान लिया जो आपका तत्समक अवयव ई है वो ई वन ई टू को निरूपित कर रहा, क्योंकि दो दो के पेयर में चल रहे, दो दो के उसमें चल रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगा दो कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, ये होता है आपका तत्समक नियम। तो यहाँ पर आपने ए की जगह रखा ए वन ए टू, ई की जगह रखा ई वन ई टू, और ए है आपका ए वन ए टू, और यहाँ पर ई की जगह ई वन ई टू, और यहाँ पर ए की जगह ए वन ए टू, ठीक है। अब इसमें आप लगा दोगे तो इसमें जब आप लगाओगे तो किस प्रकार से निकलेगा, ये आपका ए वन और ई वन और ए टू और ई टू हो जाएगा, यहाँ पर भी ई वन ए वन और ई टू ए टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने बना दिया। अब जो पेयर होंगे वो किसके बराबर होंगे, भाई ए वन जो ए वन ई वन है वो ए वन के बराबर हो जाएगा, और ए टू ई टू है वो ई टू के बराबर होगा, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी और ये चीज इसके बराबर होगी, ठीक है। तो हमने ऐसे कर दिया। अब ये ए वन ए वन कट जाएगा और यहाँ से ए टू ए टू कट जाएगा, तो ई वन की वैल्यू जीरो देख रहे हो और ई टू की वैल्यू जीरो देख रहे हो, और ई वन और ई टू एक्चुअली में कुछ और नहीं ई ही था। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ई बराबर जीरो आया, लेकिन क्या जीरो कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याओं में होता है, नहीं होता है। तो नहीं होता है, इसका मतलब क्या, नॉट बिलोंग्स टू एन। अब जब नॉट बिलोंग्स टू एन कर दिया आपने, तो हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि अतः द्विआधारी संक्रिया में कोई तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से करना था। तो आई होप बात क्लियर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था, क्रम विनिमय पालन कर रहा था, साहचर्य का पालन कर रहा था, और तत्समक अवयव इसमें विद्यमान नहीं हो रहा था। कोई समस्या होती तो जैसे मैंने आपको कहा इंस्टाग्राम पर आप मुझे भेज सकते हो सवाल, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, और यदि आपने वहां पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए। साथ ही अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात कर लें, बतलाइए क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, औचित्य भी बतलाइए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि समुच्चय एन में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए आपको कह रहा है ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पर आपको जरा एक सोच रखिए कि ए स्टार ए कह रहा है बराबर ए कह रहा है, और ए एन के बराबर होना चाहिए, और किसी भी मतलब आप कुछ भी लगा दो तो ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो सत्य होनी चाहिए, लेकिन प्लस के लिए ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, गुणे के लिए तो हो जाएगा, गुणे में अगर आप ए का मान एक रखो ठीक है तो वहां तो हो जाएगा, लेकिन प्लस में नहीं होगा। प्लस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस में तत्समक अवयव जो होता है, या फिर आप यहाँ पर कहो बराबर ए आ रहा तो इसका मतलब तत्समक अवयव की बात कर रहा, तो वहां पर तत्समक अवयव जीरो होता है। अब जीरो की स्थिति में एन तो एन में तो जीरो होता नहीं है, तो यहाँ पर ये जो कथन हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा समझो इसको, ठीक है, कैसे कि मान लो माना स्टार जो है वो प्लस को परिभाषित करता है। अब हमने मान लिया माना ए जो है वो दो है बिलोंग्स टू एन है। अब अगर आप इसमें लगाओगे ए स्टार ए बराबर ए में, तो हमने ए स्टार ए बराबर ए में लगाया। अब ए स्टार ए स्टार को हम किससे परिभाषित कर रहे हैं, प्लस से परिभाषित कर रहे हैं। अब हम जब स्टार को प्लस से परिभाषित कर रहे हैं तो ए प्लस ए बराबर ए, ठीक है, और ए प्लस ए ए में वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा टू प्लस टू बराबर टू, तो चार बराबर दो होता नहीं है, इसका मतलब क्या कि कथन असत्य है। तो इस प्रकार से आपको दिखाना था, ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गई बात। अब हम दूसरे की बात कर लें, तो कह रहा है एन में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, एन में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, तो आपको इतना सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हमने एन में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया ले ली। अब क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस ले लिया ए स्टार बी स्टार सी जो आपको दिया था। अब इसके लिए हम हल करते हैं। तो यहाँ देखो ये इसको हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया वन की तरह और इसको हमने पूरे को मान लिया टू की तरह, तो होता क्या पलट जाता है। पलटने का मतलब क्या कि हम इसको लिख सकते हैं बी स्टार सी स्टार ए, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप यही कर रहे हो इस वाले कोष्टक में कि इसको आपने फर्स्ट मान लिया, इसको आपने सेकंड मान लिया, इसको आपने फर्स्ट कह दिया और इसको आपने सेकंड कह दिया, तो इसको पलट दो तो हम सी स्टार
स्टार सी कर रहे हो। अब यही देखो, ये LHS था और यही चीज RHS थी, हो गया ना प्रूफ, सिंपल था, बहुत ही आसान था, तो हैंस प्रूफ कर दोगे। तो एक्सरसाइज का अंतिम सवाल आपका जो 13वां सवाल, ये इस प्रकार से कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। अब इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है, अब ऑप्शन जरा देख लीजिए, कह रहा है साहचर क्रमन्वय, क्रमन्वय साहचर, साहचर क्रमन्वय, क्रमन्वय साहचर, इस प्रकार से। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ये बताना है कि जो आपका ऑपरेशन दिया है वो क्रम विनिमय को परिभाषित कर रहा कि साहचर को परिभाषित कर रहा, ये बताना कि दोनों को कर रहा कि किसी को नहीं कर रहा, इस प्रकार से आपको बताना। तो मेरे हिसाब से क्रम विनिमय और साहचर में अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्लस यदि आपने अभी तक अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ आपको PDF मिल जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप XP क्लासेस करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आप PDF कर लेते हैं। अब जरा इसको समझिए, क्रम विनिमय और द्विआधारी, क्रम विनिमय और साहचर्य की बात करें तो जरा गौर करो, ये क्रम विनिमय का तो पालन करेगा भाई, ए स्टार बी ए क्यू प्लस बी क्यू, और तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस ए क्यू, क्रम विनिमय का पालन करेगा। लेकिन हल करके देखिएगा कि साहचर्य का पालन नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये क्रम विनिमय का पालन करेगा, साहचर्य का नहीं करेगा। तो इसमें कह रहा था साहचर्य क्रम विनिमय दोनों, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज जो है 1.4 ये कंप्लीट होती है। विविध एक्सरसाइज पर हम बात करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।